हाँ जी बच्चों, आ गए आप लोग? जल्दी से बताएं, जल्दी आ गए क्या बच्चों? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे एक बार जल्दी से अपनी प्रेजेंस बताएंगे, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं जी, आगे का पार्ट क्लास का। काफी लंबा चौड़ा ब्रेक हो गया। आइए बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार मुझे जल्दी से अपनी प्रेजेंस बता दो कि हाँ सर हम लोग आ गए हैं, और बस आप आगे बढ़ो। कौन कौन बच्चे आ गए हैं जी? मैं तब तक वेट कर रहा हूं जी आपका। बोलो जी बोलो। आइए जी, सत्यव्रत जी आ गए हैं, बाकी बच्चे भी एक बार बताएं जल्दी से, आ गए हैं क्या? अरे वाह, राम भी आ गए। बस तो भैया राम जी आ गए तो फिर तो सब आ गए हैं। रोहित करिया लंच वंच हैं, चलिए शुरू करते हैं। आइए बेटा करते हैं शुरू आज की क्लास। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताओ? हमने चैप्टर के अंदर जो अभी हमने बात की थी लास्ट क्लास में, कहां तक बात हो गई थी हमारी? अब यहां पर मिक्स क्लास चल रही है, बीच बीच में कैलकुलेशन भी होगी, टेबल भी हो, कैलकुलेशन भी होगी, ठीक है, और साथ साथ में क्या होगा, अकाउंटिंग भी होगी, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो जी लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, अभी हम लोग चल रहे थे कहां पर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। टेबल का क्वेश्चन चला था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बेटे सिर्फ दो तीन बच्चों ने बताया कि वो आ गए हैं, बाकी बच्चे भी प्रत्येक जल्दी से। जी सिर्फ रोहित राम और सत्यव्रत का मैसेज डाला हुआ है हम पे, बाकी बच्चों का डाला हुआ ही नहीं है। प्लीज एक बार अपनी प्रेजेंस जाहिर करें, मुझे पता नहीं चलता कि बच्चे आ गए हैं कि नहीं आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे हमने ए पॉइंट कर लिया था, बी पॉइंट कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सी पॉइंट भी हो गया था जी, टेबल के कैलकुलेशन का। आइए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही, कहां पर बेटे, डी पॉइंट पे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने बेटे ये बुक है अपनी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके अंदर ये रहा जी, 1 के अंदर हमने ए बी सी कर लिया था, अब हमारा डी पॉइंट है जी। आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है यहां पर, कहता है क्या, मोटर कार है जी एक। अच्छा जी, मोटर कार है, सॉरी मोटरसाइकिल है जी। क्या कहता है बेटा, उसका कैश प्राइस कितना है बेटे, 32,000 रुपये। कैश प्राइस है बेटे 32,000 रुपये। नेक्स्ट, और उसको सेल करने कितने पे बेटा, 40,000 रुपये पे। लो बेटा जी, 40,000 रुपये क्या है जी उसका, हायर परचेस है, हायर परचेस प्राइस है। क्वेश्चन ने तुम्हें बता दिया कि 40,000 रुपये है तुम्हारा हायर परचेज प्राइस। बेटा नहीं मजा आया, तो तीन बच्चों ने बताया सेस पे कि हम आ गए हैं, बाकी बच्चों ने बताया नहीं, पता ही नहीं चला। सत्यव्रत, राम और रोहित, बस मैं वेट कर रहा हूँ फिर भी, इसलिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता है बच्चों का कि हाँ भाई, बच्चों के प्रति कि हाँ भाई बच्चे हैं क्लास में, हम लोग कर रहे हैं। आइए जी, सिर्फ तीन बच्चे हैं अभी मुझे जो लगा मैसेज से। आइए, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, कैश प्राइस है कितने का बाबू, 32,000, और हायर परचेज प्राइस कितना है बेटा, 40,000। तो पेबल कैसे है बेटे, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में, कितने कितने की, 10,000। तो बेटे 4 इक्वल
क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 10-10 हजार की। आइए जरा, फर्स्ट पेमेंट जो है वो कब किया जाएगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि पहला क्वार्टर खत्म। क्वार्टर समझते हो वो नहीं जो तुम समझते हो? हाँ, ना 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 ना, क्वार्टर वो नहीं, क्वार्टर मतलब 4 महीने, है ना? 4 महीने नहीं, 3 महीने, सॉरी 3 महीने, ईयर का 1/4, तो बेटे 3 महीने, हाँ उसी की बात हो रही है। चलिए क्या कहते हैं, कहते हैं फर्स्ट पेमेंट जो है, अब रोहित को जरूर फरमाएगा पक्का, देख लेना, फर्स्ट पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। क्या कहता है क्वेश्चन कि आपसे कि कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट। आइए पॉइंट नंबर डी, तो बेटा जी करो फटाफट। तो जो जो क्वेश्चन में दिया होगा हमें क्या करना होगा, वो फटाफट से लिख देना होगा। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, मजे वाली बात लगाते हैं बच्चे। मैं कहता हूँ फीस फीस नहीं चल रहा, नहीं तो ऐसे हल्ला काट देते हैं बच्चे कि वाह 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 क्या बात कर दी सर, सत्यव्रत कह रहा सर 180 रुपए वाला क्वार्टर, हाँ मुझे क्या पता होगा कितने का आता होगा। चलिए आइए जरा टेबल बैठे। लो भाई बच्चों, पार्टिकुलर्स, ये बेटा क्या है अपना प्रिंसिपल पार्ट, और बेटा जी ये है अपना इंटरेस्ट पार्ट, ये है जी टोटल इंस्टॉलमेंट। आइए जी देखिए बेटा जी क्वेश्चन में क्या क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कैश प्राइस है 32,000 का। लो बेटा जी कैश प्राइस है हमारा 32,000 का, अच्छा और क्या है जी, और जी डाउन पेमेंट के बारे में बता रखा है, कुछ नहीं है, क्या है डाउन पेमेंट के बारे में बता रखा है। एक मिनट रुको, एक मिनट बस, अर्जेंट सर का कॉल है, चल रहा सर का, एक मिनट। हाँ जी बेटा जी, तो मैं ये कह रहा था बेटा 32,000 क्या है अपना कैश प्राइस, क्या है बेटा कैश प्राइस, इसमें सबसे पहले अपना क्या होगा बेटा बोलो, डाउन पेमेंट। क्या हमारा इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है? आंसर इज नो। क्या है बेटा? डाउन पेमेंट यहाँ पर नहीं है, डाउन पेमेंट यहाँ पर नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो बेटा क्वेश्चन में और क्या क्या बोल रखा है, कह रहा है भाई साहब 40,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में, वो भी क्वार्टरली। तो जी लो, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है जी, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट और ये लास्ट वाली चौथी इंस्टॉलमेंट। आइए जी, तो 4 इंस्टॉलमेंट बेटे 10-10 हजार की। लो मेरे बच्चों आओ जरा जल्दी से कराओ फटाफट, यहां पर तो जी जीरो है, डन 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 डन, 10,000, फिर दूसरा 10,000, 10,000 और क्या बेटा 10,000। लो बेटा जी 40,000 बेटा 40,000, देखो तो जरा 40,000, और यहाँ पर प्रिंसिपल का टोटल कितना है 32,000। आ गए क्या जो जो नलायक अभी तक आए नहीं थे शैतान, बेटे बता दो एक बार तुम भी आ गए क्या बाकी के शैतान बच्चे। लो जी मैं ये कह सकता हूँ जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितने का है, टोटल इंटरेस्ट ये हमें पता चल जाएगा बेटे। और कुछ नहीं दे रखा देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं बता रखा। काश हमें क्वेश्चन बता देता रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग क्या कर लेते बेटा, हम लोग कैलकुलेट कर लेते। कैसे भाई? सीधी सी बात है, ये 32,000 का यहाँ पे पेंडिंग है, हाँ जी सर, तो हम क्या करते भाई 10,000 के अंदर, क्या कहा मैंने बेटा 10,000 के अंदर इस पर इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल देते और ढूंढ लेते क्या बाकी का बचा हुआ प्रिंसिपल पार्ट, और वही हम लोग घटा करके बाकी का पेंडिंग अमाउंट निकालते रहते हैं, है कि नहीं। अब आगे करते हैं बेटा, क्या क्या बेटा यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रखा, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, हम तो फंस जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे। आइए श्रुति बहुत लेट हो गए बेटा, मैं तो जानबूझ के घंटे का ब्रेक ले गया इसलिए, चलो मुझे भी आराम मिल जाएगा आप लोगों को भी, तुम तो आराम से सो ही गए थे लग रहा, जबकि खा गए थे हैं। आओ जरा, तो बाकी बच्चे प्लीज एक बार बताएं, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, 3-4 बच्चों के मैसेज हैं देखो बस,
तो ये जो इंटरेस्ट है, पहली बात, एक बात तो कंफर्म है बेटा जी, क्या यहां पर इंटरेस्ट जो है वो 8,000 रुपए का, ये बात कंफर्म है। अब सवाल ये है कि ये किस किस इंस्टॉलमेंट में कितना कितना है, ये नहीं पता ना अभी। तो हम क्या करेंगे इसको बेटे, यहां पर हमें चारों इंस्टॉलमेंट में 1, 2, 3 एंड देन 4, इन चारों इंस्टॉलमेंट में हमें बांटना है। और बांटेंगे कैसे भाई, अब कैसे बांटेंगे जी, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ने क्या किया, कुछ डिटेल दी, क्या दिया, कैश प्राइस दिया और चारों इंस्टॉलमेंट बता दी। और कह रहा है निकाल दो भाई, अकाउंटिंग कर दो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और ये ऊपर से ये और कह रहा है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो गया, कर दो जी रिपोजिशन। तो बेटा करेंगे तो तभी जब हमारे पास टेबल होगी, तो आप समझे क्यों मैं टेबल की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ऐसे केस में हमारा इंस्टीट्यूट ने जो बताया है वो क्या बताया है कि आप ना पेंडिंग हायर परचेज प्राइस के रेशियो में बांट दो। क्या मतलब बेटा, देखो ये जो है ये इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है, ये होता क्या है, ये टोटल हम क्या कर रहे थे, इनका टोटल क्या आता है, हायर परचेज प्राइस आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर इसमें क्या करेंगे, ये लोग पेंडिंग हायर परचेज प्राइस के रेशियो में बांटेंगे। तो पेंडिंग हायर परचेज प्राइस क्या मतलब भाई, देखो पहली अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं, क्या कहा मैंने बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या कहा मैंने बेटा, और क्या फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो बेटा जी तो पहली इंस्टॉलमेंट की डेट पर देखो कितने रुपए का हायर परचेज प्राइस पेंडिंग है भाई, टोटल तो 40,000 का है। हाँ जी, तो 40,000 का मतलब क्या है कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पर 40,000 माइनस, सॉरी, पूरा का पूरा 40,000 का हायर परचेज प्राइस पेंडिंग में है। पहली इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज रहा होगा वो किस रेशियो में बांटना है, पेंडेंसी के रेशियो में। एक काम करूं, मैं छोटा सा एक चार्ट बनाता हूं, पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, देखो जरा इधर सारे बच्चे, क्या सर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है जी, 1, 2, 3, 4। बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कब गई होगी, सर पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, ये रहा कितने रुपए गई यहाँ पर, 10,000। मैं इसको बोलूंगी फर्स्ट ईयर है, हाँ जी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितनी गई, 40,000, सॉरी कितना, 10,000, फिर से 10,000। यह है दूसरा ईयर, यह है बेटा तीसरा ईयर, यह है बेटा चौथा ईयर। बेटा जी पहले साल में जो ब्याज लगा होगा वो किस पे लगा होगा, यहां वाले स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल पे, जो स्टार्ट में होगा इसके बेसिस पे ब्याज निकला होगा। तो इंस्टीट्यूट ने कहा क्या, यहां पर आप ये देख लो कि स्टार्टिंग में देख लो यहां पर इस डेट पर कितने का प्रिंसिपल, कितने का हायर परचेज प्राइस पेंडिंग है, ये 40,000 का। यहां देखूं तो मुझे आगे के ये चारों पेमेंट मिलाकर के इनका टोटल कर दूं तो जी मेरा पूरा 40,000 का हायर परचेज प्राइस पेंडिंग है, पेंडिंग हायर परचेज प्राइस। अगर मैं दूसरे साल में देखूं तो दूसरे साल में मुझे क्या दिखाई देगा, यहां पर जी इस जगह पर जब हम खड़े होंगे, दूसरा साल कहां पे आएगा, यहां पर, ठीक है ना। जब दूसरी बार इंस्टॉलमेंट गई होगी तो उसमें ब्याज कहां से काउंट होगा, ईयर के स्टार्टिंग में देखो कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो पेंडिंग दिखेगी, मैंने कह लो कितनी हायर परचेज प्राइस हैं जो यहां पर सेकंड ईयर के बिगिनिंग में पेंडिंग दिखाई देंगे। ये तीन इंस्टॉलमेंट, तो तीन इंस्टॉलमेंट में कितना हायर परचेज प्राइस की अमाउंट है, 30,000। बेटा ध्यान रखना, बच्चे इसको ना एक गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के रेशियो में बांट दो, 4, 3, 2, 1, क्योंकि आएगा रेशियो ये इस हिसाब से। लेकिन ये निकालने का एक तरीका है, अगर मान ली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डिफर करेगी तो बेटे ये हायर परचेज पेंडिंग प्राइस जो है ना वो अमाउंट अलग हो जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना। तो कोई भी मिसकंसेप्शन मत पालना दिमाग में कि हम इसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के रेशियो में बांट दें, 4, 3, 2, 1, गलत हो जाएगा अगर कहीं पर अमाउंट इंस्टॉलमेंट की चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे 10,000 का अमाउंट सेम है इसलिए यहाँ पर एक निश्चित रेशियो में पेंडेंसी आएगी। लेकिन अगर मान लें यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा वेरी कर जाएगा ना, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, तो बेटे पेंडिंग हायर परचेज प्राइस का फिर रेशियो 4, 3, 2, 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर वो मिसकंसेप्शन हो जाएगा। आइए जरा बात करते हैं यहाँ की, अगर मैं बात करूं इस स्टेज पर तो बेटे कितना पेंडिंग है, 1, 2,
ये कितना बेटा 20,000 इधर, यहां पर तो सिर्फ एक ही है क्या, वन। तो 4-3-2-1 का जो रेशो आ रहा है वो इसलिए रेशो आ रहा है क्योंकि यहां पर अमाउंट हर बार एक फिक्स अमाउंट घटते जा रही है, तो बची हुई अमाउंट भी एक निश्चित रेशो में आ रही है। तो गलती से भी ये मत कर लेना कि सर अगर 5 इंस्टॉलमेंट हुई तो 5-4-3-2-1 ये रेशो आ जाएगा, वो तब आ सकता है बेटा जब हर अमाउंट इंस्टॉलमेंट की इक्वल हो, क्योंकि पेंडेंसी हायर परचेज प्राइस की एक निश्चित रेशो में बन जाएगी। तो मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पर रेशियो हमारा क्या आया, अब मैं लिख सकता हूं फिलहाल कि हाँ भाई 4-3-2-1 अब लिख सकता हूं मैं, लेकिन कोई भी मिसकंसेप्शन ऐसा मत मानना कि 5 इंस्टॉलमेंट होगी तो 5-4-3-2-1, 6 इंस्टॉलमेंट होगी 6-5-4-3-2-1, जी नहीं, बिल्कुल भी ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पर बेटे इस इंटरेस्ट को हमें इसी दिशा में बांटना है, बांटो जरा। तो पहले वाला जो इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, 8,000 × 4/4 = 7 और 2 9 = 10, 4/10 इधर, 8,000 × 3/10 बेटा 8,000 × 2/10, 8,000 × 1/10 जी, 4 × 16 1600, 4 × 3 = 12 1200, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, लो भाई। तो अब हम इसी को यहां पे लिखने जा रहे हैं क्या, 1600 हाँ जी, 1200 हाँ जी, 800 हाँ जी, 400। सब बच्चे बताएंगे मुझे एक बार सेस पे लिख के, क्या पूरी तरह क्लियरिटी है इस क्वेश्चन की, प्लीज मुझे बताइए क्या पूरी तरह क्लियरिटी है। अगर 10,000 के अंदर, क्या कहा मैंने बेटा, अगर बेटा 10,000 के अंदर कितने का है, 8,000 है ना, ओहो 4 × 3 = 7 × 2 = 10, अरे गड़बड़ हो गया क्या, अमाउंट गलत आ गया, 4/10 है, सॉरी कितना आएगा, 3200, 2400, 1600, और 800, 3200, 2400, 2400। तो बेटा बाकी है हमारा प्रिंसिपल पार्ट, 10,000 में से 3200 गए, कितने बचे, 6800, लो बेटा जी 6800 घटाओ जी 32,000 में से, कितना बच गया, 25,200, 10,000 में से घटा दो 2400, कितना बच गया 7600 बेटा, 7600 माइनस 25,200 कितना बच गया बेटा, 17,600। जरा बताना 10,000 में से 1600 गया, कितना बच गया, 8,400, 8,400 माइनस 17,600, 9,200। तो भाई लो आगे बढ़ो, तो भाई लो आगे बढ़ो, ये है बेटे इंटरेस्ट की कहानी। यहां पर इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है कि जो पेंडिंग हायर परचेज प्राइस है उसके रेशो बांटना, ओल्ड क्लियर सर, ओके बेटा, चलिए अच्छा लगा, आप बस बताते रहिएगा साथ साथ में कि हाँ क्लियर है कि नहीं। तो मैं बढ़ रहा हूं बेटा अब आगे डी के बाद में, अब अगला पॉइंट है हमारा ई। आइए जी अब हम चलते हैं ई पर, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, कौन सा वाला, ई। पॉइंट
ई पॉइंट के अंदर। तो भाई शुरू हो जाओ, क्या है भाई? टेबल बनानी है, प्रिंसिपल पार्ट, इंटरेस्ट पार्ट और जी इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट। टेबल, डोंट वरी, हम क्वेश्चंस में चेंज करते रहेंगे, कभी टेबल पाएंगे, कभी हम अकाउंटिंग पाएंगे, और ऐसे ही सारा चैप्टर हो जाएगा। पॉइंट नंबर ई पढ़िए। अभी तक धीरे धीरे क्या हो रहा था, कभी इंटरेस्ट कम कर दिया, इंटरेस्ट का रेट हटा दिया, कभी वहां पर कैश प्राइस ही हटा दिया, है ना। अब देखो क्या कर दिया इन्होंने, ये तो समझ लो मजेदार वाली चीज है, असली मजेदार वाली चीज तो तुम्हें इसी में आएगी। पॉइंट नंबर ई कहता है, एक्स जो है उन्होंने क्या किया, स्कूटर परचेज किया हायर परचेज बेस पर, और एग्री टू पे ईयरली इंस्टॉलमेंट कितने कितने की, 10,400, 9,600 और 8,800। कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट और कैश प्राइस, कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट और कैश प्राइस, कमाल की बात, देखो ठीक है। आइए जरा, तो अब ऐसे केस में क्या होगा जी, तो जी करना जरा, यहां पे क्या क्या है बेटा, पार्टिकुलर्स प्रिंसिपल पार्ट, इंटरेस्ट पार्ट, ये बन गई हमारी इंस्टॉलमेंट्स। लो बेटा जी, ये है बेटा जी हमारा क्या, कैश प्राइस, कैश प्राइस। और इसमें सबसे पहले क्या घटेगा बेटा, डाउन पेमेंट, क्या घटेगा बेटा, डाउन पेमेंट। तो इसमें बेटा कितनी इंस्टॉलमेंट है बाबू, तीन इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट। तो ये जो तीन इंस्टॉलमेंट है, हमें क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, हमें जो डाटा दे रखा है, देखिए तो जरा क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन ने, कह रहा है कि करके दिखाओ इसे। वाह 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 वाह, कह रहा है भाई साहब पहली इंस्टॉलमेंट हम बता देते हैं कितने की आप दे रहे हो, दूसरी इंस्टॉलमेंट हम बता देते हैं कितने की दे रहे हो, तीसरी इंस्टॉलमेंट ये बता देते हैं क्या कितने रुपए की दे रहे हो कि आप दे रहे हो पहली इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट तो कुछ है ही नहीं कि जी पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है आपकी 10,400 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट जा रही है आपकी 9,600 की, और जी तीसरी इंस्टॉलमेंट 8,800 रुपए की जा रही है। तो आप जब इनका तीनों का टोटल करोगे तो आपके हाथ में लग जाएगा आपका हायर परचेज प्राइस, 14,418, 1 और 8, 9, 9, 18, 1 और 1, 2। तो भाई ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें ना तो कैश प्राइस बता रखा, ना हमें इंटरेस्ट का बता रखा, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा। मैं रुक गया, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हम सोल्व कर देंगे, है ना। श्रुति, सृष्टि, सत्यव्रत, रोहित, प्रिया और कौन, रामलाल, सोल्व कर दोगे, वंशिका करके दिखाओ सारे बच्चे। नहीं हो पाएगा, एक सिरा चाहिए यहां पर हमें, तभी तो दूसरे सिरे पे पहुंचते हैं। अब यहां पर होगा कैसे फिर बेटे, ऐसे क्वेश्चन में हमारे को यहां पर बिल्कुल ऐसे करके छोड़ दिया जाता है, तो मैथमेटिकली बेटे वहां पर हमें थोड़ा सा कुछ इक्वेशन फॉर्मेट में आना पड़ता है। आप जरा एक चीज सोचिए, क्या सर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पॉइंट है, एक बार वहां पर आइए, देखिए जरा मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पॉइंट में हमने एक बात देखी थी, और यही चीज हमें वहां पर एज्यूम करके चलनी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, तो हम एक अजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल पार्ट जो है वो एक जैसा है, इक्वल इक्वल है।
इसका मतलब इससे फर्क क्या पड़ेगा सर, इससे ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट जो है हमारा एक निश्चित रेशो में आ जाएगा। हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि क्योंकि हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, हम मान रहे हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर हमारा प्रिंसिपल पार्ट जो है वो एक्स है। क्या है हमारा? एक्स। अगर ऐसा है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक निश्चित रेशियो में आ जाएगा। यहां पर कितना होगा? 4x, यहां पे 3x, 2x, 1x। ये हमारी अजम्पशन नहीं। तो आइए जरा चलते हैं आगे। तो यहां पे लिखिए फटाफट से, जल्दी से लिखो बेटा। लेट एज्यूम प्रिंसिपल पार्ट प्रिंसिपल पार्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल। ये मान लिया हमने कि प्रिंसिपल पार्ट जो है हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर इक्वल है। एंड सो, और इससे क्या होगा? एंड सो इंटरेस्ट पार्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट विल बी इन द रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऐसे केस में क्या होगा बेटा? जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट के रेशो में आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट एज्यूम्ड इंटरेस्ट इज एज्यूम्ड बाय वाई। हमने यहां पे क्या किया? इंटरेस्ट को एज्यूम किया वाई के द्वारा। तो बताओ बेटे, ऐसे केस में हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? आइए बेटा इक्वेशन बनाते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8800। 8800 बोलो बेटे। मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट की को एक इक्वेशन के फॉर्म में डाल दिया। नेक्स्ट, मैं अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट को देखूं तो वहां पर पता है बेटे एक्स तो सेम होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट हमारा वाई है वो डबल होगा, एक रेशियो के हिसाब से होगा ना। तो यहाँ पे कितने के बराबर होगा? 2y। और क्या होगा यहाँ पे? 9600। बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होगा बोलो? अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करूं, यहाँ पे 3y होगा इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्स हमारा सेम रहेगा, हमने ऐसा एजम्पशन ले रखी है। ये तीन इक्वेशन बेटे हमारे सामने आ गई। अब हम कोई भी दो इक्वेशन को लेकर के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, कोई भी दो हम लोग यहां पर ले लेंगे। और क्या होगा बेटा ऐसे केस में? हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ऐसे केस में होगा क्या? अब जी ऐसे केस में होगा क्या करो बेटा? कौन बच्चा है जो सबसे होशियार है जो मुझे बताएगा एक्स और वाई की वैल्यू? मैं रुक गया बेटे, पता है आपको ज्यादा अच्छे से आता है सच्ची से, मेरे अपेक्षा। अकाउंट ही तो मुझे आता है, मैथ तो तुम्हें आता है। बताओ जल्दी से, कौन बच्चा सबसे पहले सेस पे लिख के दिखाएगा एक्स और वाई की वैल्यू? देखे जी जरा, कोई मेरे जैसा हो जाएगा, फंस जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं आपका, आप लोग करके दिखाओ बेटे। आप सारे एकदम मस्त, एकदम होशियार बच्चे हो, एकदम यंग एनर्जी वाले। तो बताओ बेटे जल्दी से बताओ x की और y की वैल्यू।
वेरी वेरी गुड, शाबाश जी, वेरी वेरी गुड। सही जना। तो आओ बेटा, जो कोई मेरे जैसा है उसको भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना। मैथमेटिक्स में आप सब लोग तो एक्सपर्ट है, अगर कोई बच्चा मेरे जैसा हुआ तो आइए मैं जरा इसलिए इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ। आओ बेटा, तो लेट स्टार्ट। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8800, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 9600। तो बेटा जी दोनों को हमने लाइन पे लगा दिया, ठीक है। हमारे यहाँ इनको गुणनखंड बोला जाता था जब हम लोग यूपी बोर्ड में हम लोग पढ़ा करते थे। तो जी करना, 9600 माइनस के हो गए और जी 8800 प्लस के हो गए। तो जी 800 माइनस के कट गया जी, बच क्या गया यहाँ पे, माइनस का वाई। तो एक और बात, क्या माइनस के माइनस से कट जाएगा, यानी कि बेटे वाई इज इक्वल टू 800। सीधी सी बात है, वाई इज इक्वल टू 800। अगर ऐसा है तो फिर वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8800। तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू 8800। किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा हो। हो सकता है कल को कोई बैकअप में देख रहा हो तो उसको भी परेशानी नहीं हो। आओ बेटा, तो यहां पर x इज इक्वल टू व्हाट, 8800 माइनस 800, यानी कितना बेटा 8000। कितना बाबू 8000। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 8000 और y की वैल्यू आ गई 800। आइए बेटा इसको लिखें। मैं चल रहा हूं ये मानते हुए कि बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा, वैसे तो बच्चों को आता होगा, तो बस थोड़ा सा कोई एक आधा जराठी फंस रहा हो क्लास में तो वो भी जरा थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आइए 8000x, आइए बेटा जी 8000x, यानी सब जगह पर तो ये 8000 ही रहेगा, है ना। और इंटरेस्ट की बात करूं तो y इज इक्वल टू व्हाट 800, 2y इज इक्वल टू 1600, 3y इज इक्वल टू 2400। वाह 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 वाह, कितना आसान है ना। आइए जरा बेटा, ये हो गया क्या 24000, ये हो गया क्या 4800, है कि नहीं सर। अगला क्वेश्चन हमें करने देना सर, आप प्लीज आप मत क्या करो सर। चलो ठीक है, जाओ तुम भी क्या करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइए जरा मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ फटाफट से। एफ आशा आशा ने परचेज किया ट्रक हायर परचेज बेसिस पर, टर्म्स क्या है जी, 70000 तो देंगे डाउन पेमेंट और जी फर्स्ट ईयर के एंड में 53000, सेकेंड ईयर के एंड में 49000, थर्ड ईयर के एंड में 55000 और इंटरेस्ट का रेट है 10%। एक काम करें, आसान है, आपको मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, हम लोग अकाउंटिंग में चलते हैं जरा, कुछ थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा, है ना। आइए जरा, तो आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर वन का जो बचा हुआ पार्ट है, पहली बात तो आप होमवर्क लिख लो इसको, इसको होमवर्क लिखो जल्दी जल्दी लिखो। एफ पार्ट होमवर्क है, लिखेगा जी पार्ट होमवर्क है, ये सारे पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्या मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे पार्ट कराऊंगा, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। आइए जरा बेटा, जी के बाद में बेटा अगला पॉइंट है हमारा क्या, एच होमवर्क। बेटे अगले वाले क्वेश्चन आपसे, ये आई वाला तो कर लो, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, तो मुझे क्या करना है, आपको ध्यान रखना कि मैं नेक्स्ट क्लास में पहले इनको करा करके फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। तो आप ये वाले क्वेश्चन तो ट्राई कर लेना, लेकिन इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, अच्छा जे भी कर लो, हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन में पूरा ट्राई करना है बेटा, ठीक है जी। नहीं ये मत करना, ये जे वाला क्वेश्चन मत करना, ये मत करना, ठीक है,
जे वाला पार्ट होमवर्क में नहीं करेंगे आप, मैं इसको खुद कराऊंगा कल। तो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट नया है, हालांकि जिन बच्चों ने एफएम पढ़ रखा है वो कर सकते हैं, और नहीं पढ़ रखा है तो डोंट वरी, मैं हूं ना। ठीक है, आइए जरा ये अब यहाँ पर रोक लेते हैं, ठीक है ना। बाकी के पार्ट मैं खुद कराऊंगा क्लास में मैथमेटिकली, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक के हैं। आइए जरा, तो मैं चलूँ आगे अकाउंटिंग में। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था, बोलो बोलो। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, और मैंने आपको दिया था होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया था बेटा मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कराऊंगा, डोंट वरी। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 खोलो। पढ़ो बेटे फटाफट से, क्योंकि आप लोग तो लाइव में पढ़ रहे हो तो आपके पास में समय कहाँ मिल पाया होगा, तो मैं आपको पूरा पूरा टाइम दूंगा इसको पढ़ने का। जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे, गूगल ड्राइव पे देख रहे होंगे इसको, उनके लिए एक नेक्स्ट क्लास की तरह है, तो उनको अपना होमवर्क मैच कर। तो जी ये एक डेट दे रखी है हमें, मैं करूँ आपके साथ धीरे धीरे, थोड़ा टाइम बच जाएगा। जनवरी 1, 2019 को अशोक ने क्या किया? एक्वायर किया। किसे एक्वायर किया जी? फर्नीचर। फर्नीचर किस्तों पे खरीदा? किससे बेटा? रियल एट्स लिमिटेड। रियल एट्स लिमिटेड ये कंपनी है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमेशा हमें क्वेश्चन में आर्टिफिशियल पर्सन के नाम दिए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मार्केट में बड़ा बिजनेस कौन कर रहा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी के फॉर्म में, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में, है ना। तो आइए जरा, तो अशोक ने फर्नीचर खरीदा इसे रियल एट्स लिमिटेड से, तो हायर वेंडर कौन है और हायर परचेजर कौन है जी? सर हायर परचेजर तो हमारा हो गया अशोक। अच्छा, और हायर वेंडर कौन हो गया? हाजी रियल एट्स लिमिटेड। तो इस पर लिख दूं क्या मैं? आइए आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दूं, ताकि आपकी कंट्रोलिंग बनी रहे। ये है हमारा हायर परचेजर, और ये है बेटा जी हमारा हायर वेंडर। एग्रीन टू पे 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या बेटा? 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए। क्या? 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए बात हुई कि हम लोग 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करें। सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है? एनुअल का आधा, सेमी एनुअल को सेमी कर दो, यानी कि 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट। क्या? 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट। आइए जी, तो 6-6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट कितने की बैठी बेटा? 8 × 4 3200 रुपए की बैठी सर। सिंपल मैं कह सकता हूँ 3200 रुपए हमारा हाई बजट प्राइस है, 8-8 सौ रुपए की इंस्टॉलमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं? कब से शुरू हुई कमेंसिंग? बेटा बिल्कुल देखो वही वाला क्वेश्चन, मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा फिर, वरना गंदा गंदा सा लगता है इस बात को कहते हुए। तो बेटे 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं 8-8 सौ की, और स्टार्ट कहां से करेंगे? 30 जून 2019 से। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी बेटा? पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी डेट को होगी मुझे लिख के बताएंगे, बताओ। साफ साफ कह रहा है सर, लिखने की क्या जरूरत है सर? साफ साफ बोल तो रहा है सर क्वेश्चन 30 जून को। मैं भी यही कह रहा हूँ बेटे, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन में जो आया था वो साफ साफ बोल रहा था, बस बच्चे सुन नहीं पा रहे थे। आइए जरा, तो पहली इंस्टॉलमेंट 800 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर से 800 रुपए की, बताओ दूसरी इंस्टॉलमेंट की कौन सी डेट रही होगी? सर 1 जनवरी के बाद में 6 महीने आए तो 30 जून बन गई पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर उससे अगली सर 31 दिसंबर बन जाएगी, उसमें क्या बात है? वाह वाह, 31 दिसंबर 2019, यस। फिर सर फिर जून 2020, फिर दिसंबर 2020, वाह बड़ा आसान है। अच्छा क्वेश्चन ने देखो बेटे एक कमाल की बात कर दी, क्या? क्वेश्चन ने कह रहा है कि सब कुछ मैं बता रहा हूँ, बस तुम्हारे तुम मेरे को वो बता देना जो मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूँ। अच्छा क्या कह रहा है? क्या कि भैया कैश प्राइस, लो भाई कैश प्राइस कितने का है? 3010। इंटरेस्ट का रेट 5% पर annum, चलो जी। और क्या कहा यहां पर? हाफ ईयरली रेस्ट। ओहो ये रुक गया, हाफ ईयरली रेस्ट कह रहे हैं, हाफ ईयरली रेस्ट पर चार्ज होगा। अब बेटे यहां पर मुझे आपको पॉइंट कराना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ रेस्ट का मतलब क्या होता है, बताओ। आप और हमने जैसे अभी ब्रेक लिया है ना, तो हमने क्या किया? रेस्ट लिया। रेस्ट लिया मतलब हमारे दिमाग में क्या हो गया? वो पिछला डाटा स्टोर हो गया, सेव हो गया। तो इसी को हम जब अकाउंट्स की फॉर्म में बात करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पर्पज से हम बात करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हो। कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी हाफ ईयरली के बाद में, यानी कि वहां पर प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीने का,
तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने के बाद में उसको रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट मतलब उसको ओरिजिनल प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया जाएगा, मतलब कंपाउंड स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगले वाले जो 6 महीने होंगे, क्या कहा मैंने बेटा, इसका मतलब जो नेक्स्ट वाले 6 मंथ होंगे उसमें वो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो प्रिंसिपल आएगा उस पर इंटरेस्ट निकलेगा, ये मतलब होता है इसका। तो ये जो वर्ड है रेस्ट, एक बार प्लीज इसको आप लोग जरा समझ लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दिक्कत करता है। हाफ ईयरली रेस्ट, क्या कहा बेटा, हाफ ईयरली रेस्ट, इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने के बाद में अगर तुम्हें अगला 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना हुआ तो क्या करना होगा, कंपाउंड करके तब निकालना होगा। ये इस क्वेश्चन में खास बात है, ठीक है। चलिए अगली बात बताओ। तो भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन में अभी तक हमें जो डेट बताई है वो बताइए, क्या जनवरी 1, फिर दूसरी बताई हमें 30 जून, ठीक है जी। तो अगली तो 31 दिसंबर होनी चाहिए ना, हाँ। लेकिन कहानी बीच में बिगड़ गई, क्या कोरोना आया, आपको पता है बेटे 2019 में कोरोना आया था, 2019 के लास्ट में, तब हम लोग ऑडिट पे थे, हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के दिल्ली में ऑडिट कर रहे थे और उस टाइम पर कोरोना आ गया। ये तभी का मैंने, मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस क्वेश्चन को, फिर हमें क्योंकि ईयर के हिसाब से अपडेट करना ही होता था, मैंने उसी के हिसाब से अपडेट भी कर दिया इसको, तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन बन गया। क्या 30 सितंबर को अशोक जी ने कहा कि भाई साहब मैं नहीं दे पाने का, आगे आगे देखिए होता क्या है। सितंबर के बाद में वहां पे कोरोना का शोर मच गया था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हम लोग खेलते रहे कि शायद ना हो, शायद ना हो। फरवरी मार्च में हमें भी ऑडिट छोड़ना पड़ गया। आइए कम टू द पॉइंट। तो 30 हजार 2019 को अशोक जी ने कहा कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, आगे पेमेंट नहीं कर पाएंगे जी। यानी कहां तो हम सोच रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे कि 2019 में जून 30 दिसंबर 31, फिर 2020 में जून 30 दिसंबर 31, ये तो पहले ही लेट गया। कह रहा कि बस मेरे बस की नहीं, कि जून 30 की मैंने दे दी किसी तरह, लेकिन दिसंबर तक मैं जा नहीं पाऊंगा। 30 सितंबर को जैसे उसने सुना कि कोरोना आ गया, तुरंत उसने सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा जी। उसने एक्सप्रेस कर दी अपनी इनएबिलिटी टू कंटिन्यू। और फिर क्या था, जहां उनको पता चला, हायर वेंडर को, उसने कहा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, हमारी प्रॉपर्टी में वापस दे दो। मतलब बेटे सीज, मतलब उन्होंने सीज कर दी प्रॉपर्टी, यानी बेटे उन्होंने अपनी रिपोजिशन में ले ली। इट वाज एग्रीड, ये डिसाइड हुआ कि भैया एक काम करना अशोक जी, क्या हमने आपकी बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं, कि जो भी यहां तक का ड्यू प्रपोर्शन है ना, आप वो पे कर देना। अशोक वुड पे द ड्यू प्रपोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट अप टू डेट ऑफ सीजर। बताओ बेटे डेट ऑफ सीजर क्या थी, ध्यान रखना। वो बच्चा परेशान होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज नहीं करता। सीधी सी बात है भैया, क्वेश्चन को तभी से एनालाइज करो, क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आएगा तभी तो सोल्यूशन सही ढंग से कर पाएंगे। क्वेश्चन ही नहीं सही ढंग से पढ़ पाएंगे तो सोल्यूशन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने की जो टेक्निक होती है बेटे वो डेवलप करनी है। क्या अशोक ने कहा, सॉरी रिलेट्स ने कहा कि भाई साहब एक काम करो, एग्री हो जाते हैं इस बात पे, दोनों एग्री हो गए किस बात पे, कि अशोक टिल द डेट ऑफ रिपोजिशन सारा पेमेंट करेगा। डेट ऑफ रिपोजिशन क्या थी, ये थी इस डेट को रिपोजिशन हुआ 30 सितंबर। कह रहे कि यहां तक का जो भी पेमेंट बनता है यहां तक का पेमेंट कर दो और साथ में मुझे एक और अमाउंट रख के दो, कितने, 200 रुपए। देखो क्या कहता है, यहां तक का पेमेंट कर देना एंड आल्सो, क्या कहा बेटा, एंड आल्सो, और साथ में भैया ये भी चाहिए, यहां तक का जो ड्यू डेट तक का पोर्शन है, यहां तक का जो ड्यू पोर्शन है 30 सितंबर तक का, वो तो करो करो, साथ में मुझे एक 200 रुपये के अमाउंट और देना, क्योंकि तुमने मेरी असेस बहुत ज्यादा यूज किए, घिस दिए, मतलब कार फर्नीचर क्या चला रहे थे पता नहीं, तुम इसी पे कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे क्या, फर्नीचर की बिल्कुल इतनी डेप्रिशिएट कर दी तुमने, कर क्या रहे थे तुम फर्नीचर के साथ, कोई बात नहीं 200 रुपये और दे दो, ठीक है। दोनों लोग एग्री हो गए। एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो क्या कहता है, घर जाके वो उसने रिवॉल्यूशन किया वेंडर ने, पता चला कि ये तो 1500 रुपये का है, और फिर उसको रिपेयर कराया और फिर उसको बेच दिया, कितने में, 1800 रुपये, कब, 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन ढंग से समझ में आना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको क्विकली क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले रिवाइज करना जरूरी है। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10%। सबसे पहले जनवरी 1 फर्नीचर खरीदा हाई बजट पे, फिर जून 30 पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, दिसंबर से पहले कितने होते हैं, जून 30 और दिसंबर के बीच में सर 6 महीने होते हैं, ये भी कोई कुछ नहीं बात है। मैंने कहा इसके भी आधे कर दो,
जुलाई अगस्त सितंबर बेटा 3 महीने, 6 महीने में वो 800 रुपए देता, बिल्कुल सही बात है, तो 3 महीने में कितने देगा, 800 का आधा, क्योंकि 6 महीने का आधा मतलब 800 का आधा, भाई 300 रुपए 3 महीने के कितने हो गए उसके, 800 का आधा मतलब 400 रुपए, एक तो जी 400 रुपए देगा और ड्यू प्रोपोर्शन हो गया ये, तो ये क्या हो गया ड्यू प्रोपोर्शन टिल द डेट ऑफ रिपोजेशन, क्योंकि 800 वो पे करेगा 6 महीने में, तो 3 महीने टिल सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर कितने बन गए 3 महीने, 6 का आधा 3, ऐसे 800 का आधा 400, यहां तक के 400 रुपए इंस्टॉलमेंट के ड्यू बनते हैं प्लस 200 रुपए और देगा, ठीक है जी, 600 रुपए में सारा का सारा एग्रीमेंट इधर उधर हो जाएगा। अब वो ले गया फर्नीचर को रिपोजिशन करके, है ना, तो वो क्या करेगा फिर उसको रिपेयर कराएगा और तब आके बेचेगा। आइए बेटा हमारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा प्रिपेयर कीजिए लेजर, बेटे हमेशा आपसे लेजर ही पूछेगा, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ वेंडर पूछ रहा है, इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंड द परचेज एज्यूमिंग दैट परचेजर चार्ज डेप्रिसिएशन, चलो कोई बात नहीं परचेजर का भी पूछ रहा है, स्पेलिंग बस सही नहीं है। आइए जरा तो हम क्या करेंगे, आइए जरा आंसर नंबर 7 फटाफट से शुरू हो जाइए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे पास में आया तो हम कैसे इसकी प्रेजेंटेशन देंगे, देखो बेटा दोनों की बुक्स में लेजर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे दोनों की बुक्स बनाएंगे, इधर ये मेरा लेफ्ट वाला पेज है, उधर मेरा ये राइट वाला पेज है, ठीक है, लेफ्ट वाले पेज पे मैंने हेडिंग डाला इन द बुक्स ऑफ अशोक हु इज अशोक, ये भी लिखूंगा ब्रैकेट में हायर परचेजर, तो आपका ये वाला पेज वहां तक जा रहा है, और उधर बीच में लाइन खींच दू, यस खींच देते हैं तुम हमारे यहां मत झांकना, हम तुम्हारे यहां नहीं झांकेंगे, ओके राइट साइड में इन द बुक्स ऑफ, ये राइट वाला पेज है जी आपकी कॉपी का, हायर वेंडर कौन है यहाँ पे रियल एड्स लिमिटेड हायर वेंडर, लो बेटा जी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर कह रहा है नेसेसरी लेजर बनाओ, अब नेसेसरी की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, जितने जरूरी है उतने बना दो जी, अब जितने तो ऐसे तो सारे मन करता है बनाने सारे बना दे क्या, वो है ही कितने, दो ही तो है, कर दो फिर काम को जल्दी जल्दी। सबसे पहला लेजर तो बताओ बेटे किसका, सबसे पहला लेजर किसका होगा, ऑफकोर्स हायर वेंडर का, हु इज हायर वेंडर रियल एड्स लिमिटेड ब्रैकेट में लिखो हायर वेंडर रखा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हायर वेंडर का कौन बनेगा, नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर किसका कौन बनेगा जी, बेटे ये बनेगा अशोक का अकाउंट, और ये कौन है बेटा जी हायर परचेजर मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे ना सो गए, ओ नो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, सच बताओ सो गए क्या, राम रोहित सत्यव्रत श्रुति सृष्टि, अरे ये तो सो गए भाई, किसी के बहुत देर से सेस पे हरकत नहीं है, प्लीज मुझे बताओ जल्दी से जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, मुझे खतरा रहता है इस बात का, फेस टू फेस और ऑनलाइन में ये बड़ा खतरा रहता है जी, बच्चा ना बस कहता है ज्यादा बोलोगे तो लाल बटन दबा दूंगा एग्जिट का, ओहो जल्दी बताओ बेटे तो नहीं गए हो, जल्दी से बताओ बच्चों आओ जल्दी से बताओ, दूसरा अकाउंट है जी फिक्स्ड एसेट्स, राम सो गया, रोहित सो गया, सत्यव्रत सो गया, श्रुति सो गई, सृष्टि सो गई, ओ नो तुषार, ओहो प्रिया, ओ लो भाई वंशिका, सब सो गए, जल्दी बताओ बेटे बेटे अपनी प्रेजेंस बताओ बेटे, जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, फिक्स असेट्स अकाउंट, हाँ रोहित कह रहा बिल्कुल सो गए, सत्यव्रत कह रहा जागे हुए हैं सर, ओके बेटा आइए जरा बाकी बच्चे सभी सो गए, बस ये बच्चे जागे हुए,
जी इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हायर परचेजर अकाउंट, और क्योंकि वो छीन के ले आएंगे वापस अपना, तो बेटा जी मतलब गुड्स रिपोजेस अकाउंट। अब नेसेसरी लेजर में तो बेटा ये तो आएंगे ही आएंगे, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। सर आपने ना एंट्री की बहुत प्रैक्टिस करवाई, बहुत गंदी बात की आपने, आप लेजर की प्रैक्टिस करवाते, करवा तो रहा हूँ, इतनी जन एंट्री करवाई, इतनी जन एंट्री कराई। यस सर, सी वाले कहाँ सोते हैं? वेरी गुड, हाँ हाँ दिल जीत गया राम ने, वेरी गुड। तो बेटे ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 का, हमारा मेन फॉर्मेट जो बेटे एग्जाम में जो हमसे मांगा फ्रंट पे हमेशा एग्जाम में सॉल्यूशन में ये देना जो वो मांगे, ध्यान रखना ये सबसे कीमती बात है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर मांगता है जो फ्रंट में सॉल्यूशन में हमेशा वही देना चाहिए, रिक्वायरमेंट जो होती है, फिर जाना वर्किंग नोट पे। मैं अगर बात करूं ये मेरे कॉपी का लेफ्ट पेज और राइट पेज चल रहे हैं जहां पर मेरे दोनों पेज भर गए, और मैं फिर चला अगले पेज पर, ठीक है बेटा नेक्स्ट वाले पेपर पे, और फिर मैंने चला क्या वर्किंग नोट। ध्यान रखना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है यहाँ पे, वर्किंग नोट्स। बस 3 बच्चों ने जवाब दिया, सत्यव्रत, राम और रोहित, वाह वाह बाकी बच्चे सभी सो गए। तो बेटा सबसे पहली बात है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है जी, यहाँ पर बताओ वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा जी ये है हमारी टेबल, क्या है बोलो, नंबर 1 टेबल। सबसे पहला पार्ट प्रिंसिपल, दूसरा पार्ट इंटरेस्ट, बेटा तीसरा पार्ट है इंस्टॉलमेंट। पक्का भाई अब तो पक्का सो गए, अब तो मैं भी कह सकता हूँ, आज तो मैं सच्ची मुच्ची में कह रहा हूँ, आज तो मैं सच्ची मुच्ची में कह रहा हूँ सो गए। कैश प्राइस, हाँ जी कैश प्राइस कितने का है क्वेश्चन ने बताया क्या, हाँ बताया है, बताओ जी कितने का। अब दोबारा से हाईलाइट करूँ इन्हें सबको, तो जी मैं दोबारा से हाईलाइट करता चलूंगा, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हुए दोबारा से हाईलाइट करेंगे। हाँ जी कैश प्राइस हमें बताया बेटा कितने का, ये रहा 3010 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये, और इंस्टॉलमेंट कितने की 8800 की। जनवरी 1 को खरीद रहे हैं, 30 जून को स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट। चलिए जी हाँ जी 3010 3010 बेटा, इसमें डाउन पेमेंट कितने का है, माइनस डाउन पेमेंट, जी कितने रुपए का कहते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है सर, ठीक है बस लिख के आप डैश कट लगा देना जिससे कि तुम्हारी क्लियरिटी बनी रहे, कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे कि अरे हमने किया था कि नहीं किया था, पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट। सर आगे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट और चौथी इंस्टॉलमेंट। बेटे 8800 की 4 इंस्टॉलमेंट है, कितनी 4, 800 800 800 और 800। ये है बेटा क्या 3200। एक बात तो कन्फर्म है, इसका टोटल तो 3010 आना है, अगर ऐसा है तो ये भी कन्फर्म है कि ये 190 रुपये का इंटरेस्ट होगा, वाह 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 वाह। आगे आगे चलो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 5% पर एनम, करो बेटा बताओ यहाँ पे रेट अपर 100+ रेट करोगे सीधा सीधा इंटरेस्ट निकालोगे, हमें पता नहीं है क्या तो बताया सर। चलो तब तक मैं डेट डालता हूँ, तब तक आप लोग जरा करो, ये है जी जनवरी 1 जनवरी 1 2019,
ये है जी 30 जून 2019 पहली इंस्टॉलमेंट। फिर है जी दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट और इसकी डेट है जी 31 दिसंबर 2019। फिर है जी 30 जून 2020 ये जी थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर है जी फोर्थ इंस्टॉलमेंट और जो आएगी हमारी 31 दिसंबर 2020 हो जी। आओ बेटे आओ जल्दी से कराओ। तो जी यहाँ पर 5% के रेट से इंटरेस्ट निकालेंगे। कौन बच्चा बताएगा मुझे पहले साल का इंटरेस्ट मैं भूल गया। कौन बच्चा बताएगा जी पहले वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मैं रुक गया जी। सर हम बताएंगे हम बताएंगे। बताओ बेटे जल्दी से कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा कितने रुपए का इंटरेस्ट है जी पहले वाला। राम रोहित सत्यव्रत तुम ही बता दो। क्यों लग रहा है बच्चों के सेस पर मैसेज नहीं आ रहे। अरे सत्यव्रत ने बताया 150 रुपये 118 और 84। बाकी बच्चे बताएं मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का। बेटा बाकी बच्चे भी बताओ भाई ऐसे नहीं मजा आएगा ना ना। ये तो बहुत गंदी बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जल्दी बोलो बेटे। रोहित ने बोला 150 रुपये। बेटे सबका गलत सबका गलत। मुझे पता है ये गलती होगी इसीलिए मैं आपसे पूछवा रहा हूं वरना कोई दिक्कत है इसमें इंटरेस्ट निकालने में। बाकी ने तो बताया नहीं बाकी ने तो बताया ही नहीं। बेटा जी सुनो मेरी बात ध्यान से बाबू ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। हाँ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने सेम ही एनुअल इंस्टॉलमेंट है बेटा। हो गई ना गंदी बात गंदी 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 बात। इसीलिए रुका हुआ हूं मैं ये बस सोचना कि अरे सर इतना आसान इंटरेस्ट के लिए क्यों रोक रहे हैं क्लास को। मुझे पता है ना गलती कहाँ पे होगी आपकी नहीं होने दूंगा मैं। क्या मतलब ऊपर वाला नहीं होने देगा। मैं तो बस एक मीडिएटर हूँ उस चीज के लिए मुझे मौका मिला इस चीज का। बेटे आपसे क्लास में ये गलती नहीं होने दूंगा। वहां पर भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। बाबू मेरी बात सुनो यहाँ पे क्या है बेटा 6-6 महीने की है ना। जरा देखना कितनी दूरी है बेटा जनवरी से 30 जून तक की। ऑफ कोर्स 6 महीने की। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है बेटा पर है ना बेटा। आइए जी चलिए अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई कहाँ गलती हमसे हो सकती है वो नहीं होगी जी। आइए बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो पहले इंस्टॉलमेंट में 3010 का 5% इंटू 6/12 3010 का सीधा कर देगा 2.5%। बात एक ही है तो जी ये आ गया 75.25। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा 75.25। अगर ये इसके अंदर इंटरेस्ट पार्ट है तो बेटा प्रिंसिपल पार्ट कितना है 800 - 75.25। क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैंने बहुत ध्यान से किया है आपके लिए। जो चीजें मिस हो सकती हैं वो सारी इसमें कवर है A to Z। बस इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना।
बेटा जी, तो 724.75 आइए जरा, अगर ऐसा है तो करिए जरा, माइनस 3010 कितना बचा बेटा, 2285.25 बेटा। नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट इसमें निकलेगा 2285.25 का 5% इंटू 6/12 तो सीधा कर दे 2.5%। हाँ कर दो, लेकिन प्रेजेंटेशन तो दिखानी पड़ेगी ना, हम इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं। आइए जरा, फाइव 7.13125 यहाँ पे कितने लिखोगे, 57.13 कितना गया, 742.87 742.87 को घटा दो इसमें से 2285.25 1542.38। ध्यान रखना स्टेप वाइज मार्किंग होती है, टेबल पूरी बनाने के अलग नंबर होंगे, चाहे वो फॉरफिजर दूसरे इंस्टॉलमेंट से पहले क्यों ना हो रहा हो, ध्यान रखना स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो कभी बच्चा सोचे कि दो इंस्टॉलमेंट तक की बात है, वहीं तक काम पूरा करते हैं बेटा, नंबर नहीं मिले, ठीक है। आइए जरा तो निकालो इसका इंटरेस्ट, और ऐसा अगर छाप गया जैसे मैं तुम्हें क्लास में करा रहा हूं, कसम से एक भी नंबर जो हिल जाए मैं इस बात के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूं। बस ऐसा करिया ना जैसे मैं तुम्हें क्लास के अंदर करा रहा, एटलीस्ट इतनी तो प्रेजेंटेशन बनती है, बाकी आप और ज्यादा कितनी मेहनत कर सकते हो उसके अंदर वो आपके ऊपर है बेटा। कितना है जी, 761.45। ये टेबल हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमें अकाउंटिंग में ये इससे आगे भी काम आएगा, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस टेबल के अपने नंबर हैं, चाहे वो फॉरफिजर दूसरे उसमें क्यों ना हो रहा हूं। सेवन एट जीरो पॉइंट नाइन थ्री बेटे, लास्ट वाले में इंटरेस्ट नहीं निकलता आपको पता है, वन 9.07 ये हमारी बैलेंसी फिगर है। चलिए अब कहानी शुरू होती है जी हमारी यहां से क्वेश्चन की। चलिए उम्मीद के साथ कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितने का आएगा आप ये देखो, सर ये आएगा 75 रुपए 25 पैसे का, और पहली इंस्टॉलमेंट पे भी हो जाएगी, ये भी कैलकुलेट करके चलो यहीं से 800 रुपए का। फिर क्या होगा, फिर सर सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट होगी, हाँ जी सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितने का ड्यू होगा देखा, लेकिन 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 ये तो तब होता ना जब दिसंबर 31 तक पहुंचते। बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बेटा सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट तब पूरा इंटरेस्ट बुक करवाती ना, जब पूरे 6 महीने के बाद में बात करते, हाँ जब 3 महीने के बाद में बात करेगी तो फिर तो आधा इंटरेस्ट बुक होगा ना, ठीक है। टेबल तो हमारी पूरे उससे बनेगी नो डाउट, ठीक है। आइए जरा तो हम पहले अकाउंटिंग में बात करते हैं, लेकिन जरा एक व्यू हमारा क्लियर रहना चाहिए। आइए जरा शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, डू इट जल्दी जल्दी से करो, आओ। सबसे पहले हमारा जो ईयर है स्टार्ट का वो क्या है भाई, ईयर है हमारा 2019, ईयर है हमारा 2019, ईयर है हमारा 2019,
पहली डेट है हमारी जनवरी फर्स्ट, क्या हुआ यहाँ पे, फिक्सेस खरीदी। फिक्सेस में हमने क्या खरीदा जी, फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए का जी, 3010 कैश प्राइस मेथड। हमारा तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम ही नहीं आया क्वेश्चन में, तो हम तो जी कैश प्राइस मेथड से करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। आइए जरा बेटा, डाउन पेमेंट हुआ, हाँ सर हुआ, जनवरी फर्स्ट को ही हमारा डाउन, नहीं डाउन पेमेंट नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, डाउन पेमेंट नहीं हुआ, टेबल चेक करो कोई डाउन पेमेंट नहीं है। उधर जनवरी फर्स्ट को ही हायर वेंडर ने अपने यहां पर सेल की एंट्री डाल दी, एंट्री हुई जनवरी फर्स्ट को ही टू हायर परचेज सेल 3010। अब क्या होगा, अब पहले हायर परचेजर की एंट्री पूरी करते हैं। जून 30 को बात हुई थी सबसे पहले बेटे, जून 30 क्या हुआ, हमने यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट बुक कर दिया, 6 महीने का स्टार्टिंग है 6 मंथ का इंटरेस्ट हमने बुक कर दिया, और वो टेबल में देखो कितना है, 75.25 हमने बुक कर दिया, कितना 75.25 बेटा हमने बुक कर दिया, 75.25 हमने बुक कर दिया। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, पहली इंस्टॉलमेंट हमने जून 30 को पे कर दी, तो जी जून 30 को पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी टू बैंक, कितने का है बेटा, पहला पेमेंट 800 रुपए का, पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई, हाँ जी पे हो गई। जरा वेंडर के यहाँ पे भी तो बात करो, हायर वेंडर के यहाँ पर उसने भी जून 30 को क्या हुआ, उसने भी इंटरेस्ट को बुक कर लिया होगा 75.25। पता है बेटे जून 30 को ही उसने इंस्टॉलमेंट का मतलब पहले वाले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव कर लिया बाई बैंक अकाउंट, आ गया बेटा कितना 800, 800 रुपये। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटिया बेटा सारे बच्चे कि देखो कितना आसान है, ठीक है। अब चलिए यहां तक का सब बच्चों के दिमाग में फिट बैठ गया होगा। अब बेटे अगली वाली बात करते हैं, मैं जाना तो चाहता हूं कहां पर, दिसंबर 31 मैं यहां पे जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ही क्या कहा, 6 महीने जाने नहीं दिया, बीच में क्या हुआ, अशोक ने कहा कि मेरे बस की नहीं है, बस की नहीं है भाई साहब, रियल एट जी अपनी ये असेट्स उठा के ले जाओ। देखो जरा अब इन्होंने बात आपस में तय की और ये कहा कि देखो भैया अगर तुम 6 महीने की बात करते तो मैं तुमसे अगले वाली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बुक करा लेता, और अगले वाली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितने का है 6 महीने का, 57 रुपए 13 पैसे, कितना 57 रुपए 13 पैसे, ये मैं बुक करवा लेता और फिर मैं तुमसे इंस्टॉलमेंट पे करवाता टू बैंक, कितना दिसंबर, बेटा ये लिखना नहीं है ये सिर्फ समझाने के लिए, 2 मिनट, तो ये 800 रुपए का पेमेंट तुम कर रहे होते अगर कुछ नहीं होता गड़बड़, लेकिन ऐसा हो ना सका, अब तुम पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है तो चलाओ बैठ के बात करते हैं, क्या कौन सी तारीख को आ रहे हो कि जी हम लोग आ रहे हैं सितंबर 30 में, क्या कहा सितंबर 30, हाँ मतलब 3 महीने बाद ही, हम तो तुम्हें 6 महीने बाद बुला रहे थे कि नहीं जी सितंबर 30 में हम आ रहे हैं और आपके एसेट्स पकड़ा रहे हैं, तो ठीक है यहां तक का इंटरेस्ट लेते आना, यहां तक का जो भी हिसाब किताब है वो लेते आना, कितने का इंटरेस्ट है यहाँ पे जी, ये 6 महीने की बात अलग है, 6 महीने में 57.13 होता, 3 महीने में क्योंकि सितंबर तक, जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, जून से लेकर सितंबर तक कितने होते हैं सिर्फ 3 महीने, 3 महीने मतलब आधा, बिल्कुल आधा, तो इंटरेस्ट कितना है जी 57 रुपए 13 पैसे का जस्ट आधा कर दो 28 रुपए 57 पैसे, लो बेटा बाई इंटरेस्ट, इसने कहा कि ठीक है भाई आधे टाइम का हिसाब किताब कर देना यहां तक जो भी है, 28 रुपए 57 पैसे का इंटरेस्ट, और सितंबर 30 को ही आधी वाली ड्यू प्रोपोर्शन वो पेमेंट कर देंगे टू बैंक, कितने का आधा, कितने का आधा, आधा कितना 400। और सुनो अब ये तो तुम समझ गए कि 6 महीने में करते तो ये करते, अब 3 महीने में करोगे तो आधा करोगे कि हाँ जी तो हम समझ गए, ये तो फिर एक काम और सुनो,
200 रुपये एक्स्ट्रा पे करो। हैं 200 रुपये एक्स्ट्रा? हाँ, 200 रुपये एक्स्ट्रा, ये ऐसे बात नहीं बनेगी। तुमने एक तो असिस्ट को हमारे इतने यूज किया, और अब हमें कह रहे हो उठा के ले जाओ। आने जाने में खर्चा होता है, बहुत सारी चीज होती है। अच्छा ठीक है, तो इसी तारीख को बेटे एक और अलग से पेमेंट हुआ, सितंबर 30 को ही 200 रुपये डेप्रिशन के नाम का, मतलब एक असेट्स के एक्स्ट्रा यूज के नाम का। चलिए जी, मैं ये मान रहा हूँ कि बच्चों को यहाँ तक ओके है, प्लीज मुझे एक बार सेस पे लिख के बताएं कि यहाँ तक ओके है कि नहीं। तब तक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हायर वेंडर के यहाँ पे बात करता हूँ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर भी ऐसे सपने देख रहा होगा, आएगा आएगा दिसंबर 31 को आएगा, लेकिन वो पहले ही आ गया, वो पहले ही आ गया बेटा सितंबर 30 को। 6 महीने का इंटरेस्ट के बजाय कह रहा है कि बस यहीं तक को निपटा लो, जो करना है आज कर लो, आज के बाद हम फिर बात नहीं करेंगे। ओहो ये बात है बेटे, सितंबर 30 को ही यहाँ पर पेमेंट रिसीव हुआ बाई बैंक, कितने का बेटा? जस्ट आधा, कितने का? 400 रुपये का। वाह 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 वाह, ओहो वाह वाह, चलें क्या आगे? चलो जी सर आगे चलो, यहां तक काम निपटा दिया सर। सितंबर 30 को एक और अमाउंट भी तो मिला, उसकी भी तो एंट्री करो। इसने दिया और उसने लिया 200 रुपये। यस ये बात भी सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, कितने अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल सही बताते हैं। सिर्फ रोहित ने बताया, अच्छा रोहित ने सत्यव्रत ने दोनों ने बताया, ओके है तो लग रहा है ये दोनों पढ़ रहे हैं, लग रहा है बेटे। बाकी बच्चे कहाँ हैं? राम, राम जी आप सो गए तो बस, तो फिर तो जगत संसार सो जाएगा। राम जी, राम बेटा बताओ जल्दी से, बाकी बच्चे तो बता ही नहीं रहे भाई। वाह 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 वाह, आओ जी जल्दी से बताओ बेटे, नींद खोलो। ओहो खोलो बेटा, खोलो जल्दी से नींद खोलो, वरना बहुत टाइम खराब हो जाएगा इसमें, सच में जल्दी करो बेटे। कौन कौन बच्चा जाग रहा है जल्दी से बताओ, इन दोनों के अलावा। बेटा टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, नींद खुलनी बहुत जरूरी है। ओहो जूजू के मामा के हो गया, जूजू के मामा के हो गया आज तो बच्चों का। ओहो नो नो, ओ नो, आओ जरा। तो बेटा यहां तक का फर्नीचर अकाउंट भी बना ले क्या, क्योंकि अब फर्नीचर उठा के लेके जा रहा है वो। यस सर, बना लो सर, बनाओ। फर्नीचर उठा करके लेके जा रहा है, तो जब फर्नीचर उठा के लेके जाएगा तो यहां तक की बुक वैल्यू निकालेंगे? निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। और यहां तक का इसका होता है डेप्रिसिएशन, लगेगा क्या लगेगा बोलो? डेप्रिसिएशन लगेगा। वाह 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 वाह, लगाओ बेटे। तो सबसे पहले तो ईयर की बात करो, 2019, लो जी 2019। एग्जाम में बेटे लेजर में ढंग से प्रेजेंटेशन करना, क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं हमेशा। इधर तो बेटा जी, सबसे पहले क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जनवरी 1 को टू हायर वेंडर। हु इज हायर वेंडर? रियल इट्स कितने रुपए के? 3010 का बेटे। सितंबर 30 को जा रही है ना? हाँ जी, असेट्स तो यहां तक तो असेट्स यूज हुई ना, तो यहां तक का बेटा उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना निकल गया बेटा जी, जरा निकालना फटाफट से बाबू। डेप्रिसिएशन का रेट हमें दे रखा है? हाँ सर हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन का रेट। बताओ जी डेप्रिसिएशन का रेट बताओ, डेप्रिसिएशन का रेट सर क्वेश्चन ने दे रखा है हमें, ये वाला 10% पर एनम का, 10% पर एनम। इसका मतलब यहाँ पे 3010 का 10% इंटू कितने महीने बेटा? 9 मंथ्स तक यूज हुआ है, क्योंकि 6 महीने पहले वाली इंस्टॉलमेंट चली गई, फिर अगले वाले उसमें 3 महीने तक, सितंबर 30 तक ना, जनवरी से लेकर के सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। यस, तो 3010 का 10% इंटू 3/3, सॉरी सर 3 नहीं, दोबारा करो। 3010 का 10% इंटू 9/12 कितना? 225.75, 225.75 बेटे। इस डेट पर फर्नीचर जा रहा है, और बदले में क्या आ रहा है? हायर वेंडर के अकाउंट का बैलेंस है ना।
500 के अकाउंट का जो बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड योर सेल्स प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जरा एक बार इसका टोटल करना कितने का आएगा ये, जरा 500 के अकाउंट का बैलेंस टोटल करना एक बार। 3010 प्लस 7525 प्लस 28.57 3113.82। और ये बैलेंस हो गया बेटा, ये कहाँ जाएगा? टू फिक्स असेट्स, नाम क्या है उसका? फर्नीचर, सितंबर 30 को। क्या कहा मैंने बेटा? सितंबर 30 को फर्नीचर गया। ये अकाउंट का बैलेंस कितने का बेटा? करना जरा लेस माइनस, 8 4 12 2 14 1400 कितना आ गया? 1713 रुपये 82 पैसे बेटा। ये बन गया सेल्स प्राइस किसका? फिक्स एसेट्स का। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू, फिर एग्जाम में भी ऐसे तीर लगाना नहीं, उसके पास भी तीर है फिर कुछ वो देगा, ठीक है? इसको ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ आपके यहाँ यहाँ के लिए। आइए इधर। हाँ तुम भी कहोगे सर बिना कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं। लो ऑनलाइन में बेटे क्या होता है, थोड़ा सा ड्रामेबाजी करनी पड़ती है आपको हंसाने के लिए। रियल एड्स लिमिटेड, कितना जी? 1713.82। दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस फॉर फिक्स्ड एसेट्स। आइए जी, आइए जी, आइए जी, आइए जी, जल्दी से आइए। कौन कौन आ रहा है जी? सर हम तो आ ही नहीं रहे। अच्छा क्यों सर? हमारे तो नींद आ रही है। ओहो ये बात है, तो बताना जरा, फिर ये बताते जाओ फिर सोना। देखो ये बच्चे तो सो गए हैं, इनका तो मुझे पता है। श्रुति सो गई है, सृष्टि, वंशिका और कौन है, प्रिया, ये तो सो गए। बॉयज जाग रहे हैं, सत्यव्रत, रोहित और राम। अच्छा सर, बाकी का पता ही नहीं चल रहा क्लास में है कि नहीं। ये क्या हुआ बेटा? फर्नीचर के केस में क्या हो गया? यहाँ पे हमारा लॉस हुआ और लॉस को प्रॉफिट लॉस में डाल दिया बेटा हमने। कितना डाल दिया बाबू? तो बेटा 1712.82। बच्चों जल्दी से बताओ कितने का आया, दोबारा से करो। 3010 माइनस 225.75 माइनस 1713.82 1070। ओहो 1070.4। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इधर, कहां पर? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब जरा इसकी भी तो सुन लो, हायर वेंडर की सुनो बेटे। हायर वेंडर के केस में क्या होगा? बिल्कुल यही काम बेटे, ये गुड्स वापस लेके आएगा। हाँ जी, तो इसके लिए क्या होगा? गुड्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लो जी जल्दी से करो, टोटल कितना है? 3113.82 बेटा ये कहाँ चला गया? ये कहाँ चला जाएगा? गुड्स रिपोजेस में। कहाँ चला जाएगा बेटा? गुड्स रिपोजेस में, बाय गुड्स रिपोजेस्ट स्टॉक अकाउंट या गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट। कितने का बेटा? 1713 रुपये 82 पैसे 1713 रुपये 82 पैसे तो देखा जाए तो जब गुड्स रिपोजेस होके आया तो वो कितने रुपए का था? 1713 रुपये 82 पैसे का था। तो हमने एंट्री डाली, क्या एंट्री डाली? टू सितंबर 30 की बात है, सितंबर 30 की बात है। टू क्या है? हायर वेंडर टू अशोक, नहीं नहीं अशोक नहीं भाई, हाँ टू अशोक। कितना? 1713 रुपये 82 पैसे। अब बेटा जी हो क्या रहा है बाबू, ध्यान से यहाँ पे क्या
बेटा जी यहां पर हो क्या रहा है देखिए जरा। इस केस में क्वेश्चन एक लाइन बोली हम, क्या सर क्या बोल दिया सर क्वेश्चन ने, देखो जरा क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमने ना इसको, अब मैं सारी चीजें हटा करके मैं उसको फोकस ला रहा हूं जो अब बचा हुआ है क्वेश्चन के अंदर पार्ट। कह रहा है क्या कि एट द टाइम ऑफ रिपोजेशन रियलेट्स लिमिटेड ने वैल्यू किया फर्नीचर को और ये देखा ये तो फर्नीचर 1500 रुपए का बस, और हम सोच रहे थे कि 1713, तो हमने तो उसका अकाउंट बंद कर दिया। ये फर्नीचर हमें पड़ा तो 1713 का, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर इन्होंने लाए और देखा ये तो 1500 का है। तो एक तो बेटे लाते ही इन्होंने रिवॉल्यूशन किया, पहले तो इन्होंने क्या किया लाते ही रिवॉल्यूशन किया। ध्यान से बेटा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे छोटा सा एक पंगा हो जाता है, क्या ये जो रिवॉल्यूशन हुआ बेटे इसी स्टेज पर यहाँ पर लाते ही इन्होंने जो रिवॉल्यूशन किया कितने पे किया 1500। आइए जरा मैं यहीं पर इसी टाइम पर इसका रिवॉल्यूशन करना चाहता हूँ। बाई कौन सी डेट है ये, सितंबर 30, बाई बैलेंस डेट डालते हैं पहले। हम जो बात कर रहे हैं कौन सी डेट को कर रहे हैं, सितंबर 30 की बात कर रहे हैं। जैसे ही रिपोजिशन हुआ इसने ला करके इसका रिवॉल्यूशन किया और पता चला अरे ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि जी ये तो 1500 रुपये का है मात्र। ओहो, और बस फिर इसने गाना गाया ओ नो ओ नो ओ नो 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 ओ नो, ये गाना इसने गाया और फिर इसको पता चला कि 1713 का है यहाँ पर बुक्स में, तो इसको हमें डाउन करना पड़ेगा। जब डाउन करना पड़ेगा तो इसको पेनल बुक करना पड़ेगा, बाई पेनल कितने का 213 रुपये 82 पैसे का। तो पहले दिन जिस दिन ये लेके आया तो इसने माथे में हाथ मारा, अरे रे क्या हो गया क्या कर दिया ये मैंने इतना नुकसान। पहले दिन तो पहले तो इसने ये वाला हाथ मारा, कौन सा लेफ्ट वाला, कौन सा बेटा लेफ्ट वाला, ऑन दैट डेट, कौन सी डेट को सितंबर 30 को। वाह 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 वाह। फिर ये बैलेंस इन्होंने कैरी डाउन करके देखा, टू बैलेंस ब्रो डाउन, इसने कहा कि भैया एक काम करते हैं आप, चलो 1500 का सही। किसी तरह से इसने दिल में पत्थर रखा और इसने क्या किया यहाँ पर, फिर क्या किया इसने इसको रिवॉल्यूशन करने के बाद में फिर इसने कहा आप देखते हैं क्या हो सकता है, इसको बेचना तो है। जब इसने 1500 यहाँ पे लिख लिया तो फिर यहाँ पर इसको रिपेयर कराया। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई इसको ना कंपनी ने आफ्टर इनकरिंग 200 टुवार्ड्स रिपेयर्स, पहले इन्होंने क्या किया इस पर खर्चा किया टू बैंक बेटे कितने रुपए का 200 रुपए का, मतलब उससे उसकी कोस बढ़ गई है कि नहीं। और फिर क्या किया इसको बेच दिया गया, कितने के लिए बेटे सोल्ड, कब बेचा जी 15 अक्टूबर, तो दोनों डेट अलग अलग थी ध्यान रखना, 1800 रुपये में इसको बेच दिया। ओके तो बेटा ये आ गई हमारी 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को क्या हुआ ये बेच दिया गया, कितने में बेच दिया बेटे 1800 रुपये में। जब ये 1800 रुपये में बेच दिया गया तो बताओ बेटे 100 रुपये का क्या हुआ यहाँ पे, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ सर। हाँ तो ठीक है उसे बुक करेंगे वो, लो बेटा जी ये कौन सी डेट पे हुआ जी 15 अक्टूबर को, क्या वो 15 अक्टूबर को इसने ना 1800 में बेच दिया। अच्छा 1800 में बेच दिया तो ये 15 अक्टूबर को ही यहां पर इसका फिर प्रॉफिट आया, जिसको ये पीएनएल में भेजेगा, क्या करेगा पीएनएल में भेजेगा 15 अक्टूबर टू पीएनएल 100 रुपये। मैं रुक गया जी मैं रुक गया बेटे, बच्चे मुझे बताएंगे क्या ये बात ओके है, कौन बच्चा है जो मुझे बताने वाला है जल्दी से इसके बारे में कि क्या ये बात ओके है। फिर मुझे यहां पर एक कंपाउंड एंट्री सिखानी है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, बेटा प्लीज मुझे बताएं जल्दी से क्या ये बात ओके है। पता भी तो नहीं चलता है यहाँ पे, कोई विंडो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पता चलता रहे बच्चे का।
कहाँ है बच्चे? ओके है, ये आ गया सत्यव्रत का। ओके है, सब बच्चे बताओ। रोहित का भी ओके, सत्यव्रत का भी ओके है। आइए जी, चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। बेटे मैं अब वो कंपाउंड एंट्री सिखा रहा हूं इस जगह पर। चलो राम का भी ओके। आइए बेटा, अब मैं यहां पर एक इसकी कंपाउंड एंट्री बता रहा हूं, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे इस चीज। क्या इसी चीज को जब हमने जिस दिन हम लेके आए, क्या कहा मैंने, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ये इन दोनों की कंपाउंडिंग की, क्योंकि सितंबर 30 को अगर मैं इनकी कंपाउंड एंट्री करूं तो फिर कैसे होगा? ऐसे केस में कैसे होगा? मतलब अब जो मैं लेजर बना रहा हूं कि मैं इधर साइड में बना देता हूं इतना पार्ट, कि अगर हम लोग कंपाउंडिंग करें तो कैसे होगा? ठीक है बेटा, तो मैं छोटा छोटा करके बना दूं। आइए मैं छोटा छोटा करके बना देता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, इधर, और मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। बेटा ऐसे केस में हम इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर सकते हैं और हम यहीं पर लिख सकते हैं 1500 रुपये को बाई गुड्स रिपोजेस्ट 1500 रुपये, और यहीं पर ही मैं बुक कर सकता हूँ बाई पीएनएल 213 रुपये 82 पैसे। ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे ना ध्यान नहीं देंगे इस चीज पे, फिर वो कहेंगे सर उस वाली बुक में तो ऐसा नहीं कर रखा, सर हमारे एग्जाम में कभी ऐसे दे दिया कभी वैसे दे दिया। मैंने कहा तुमने फिर क्लास में सुना नहीं था उस टाइम पर जब मैं कह रहा था बार बार ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, वो यही तो बात है। तो ये 213 का जो पीएनएल है हमारा, ये हम हैंड टू हैंड उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर जब हम लोग सितंबर 30 में लेकर के आए उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर हम इसको बुक कर सकते हैं 213 रुपये 82 पैसे। मतलब ये जो इतना पोर्शन है, कितना पोर्शन सर, मतलब ये जो इतने वाला पोर्शन है ये बनाने की जरूरत ही नहीं फिर। और हमने वहीं पर ही इसको काम को निपटा दिया, यानी कहानी हमारी कहां से चली, फिर हमारा वहां से इधर 1500 का बैलेंस सीधा यहां पे आ जाएगा। कैसे? फिर तो बेटे ये 1500 का बैलेंस हमारा वहां से सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 1500 है ये यहाँ पर होगा ना, फिर तो ये इस जगह पे होगा ना, यहाँ पे होगा ना। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इसको साइड में बने रहने देना चाहता हूँ कि ताकि ना आप लोगों का ध्यान इधर रहे, यहाँ पे ऐसा हो सकता है अल्टरनेट, है ना। मैं इसको बराबर लिख देता हूँ अल्टरनेटिवली। क्या? अल्टरनेटिवली हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हमारी कहानी थी फुल रिपोजिशन की, जहां पर हमने क्या किया, हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन तो हमारा खुद भी करना बनता है ना होमवर्क में, अब वो तो देखो बेटे फिर आपको खुद भी करना चाहिए, इतना तो बनता है। आइए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका कंप्लीटली सोल्व है वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको, मेरे साथ में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन को देखते में शुरू हो जाता हूँ मैं, इसलिए इसको देखना नहीं चाहता, एकदम देखते ना ये शुरू हो जाता कि ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ ये भी कर, तो मैं ना इसलिए मैं ना इसका बस एडिक्टेड हूँ, तो मैं इस चीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा मेरे को शांति पड़ी। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद करेंगे, सोल्यूशन आपके पास में। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की पढ़िए जरा आपके सामने बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। मैं आपको पहले मौका देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने का, तो सारे बच्चे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा ब्रेक टाइप से कर लें क्या? ब्रेक टाइप से कर लेते हैं, मैं आपको तब तक स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 को लगा के जा रहा हूं। ठीक है ना, 4:07 हुए, 4:10 पर या 12 मिनट पे मैं मिलूंगा यहीं पे। ठीक है, जिन बच्चों को करना है वो तब तक उसको कर लें। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा ब्रेक टाइप से हो जाएगा, आप लोग तब तक इसको ट्राई कीजिए फिर मैं करूंगा इसको। ठीक है जी,
ठीक है लो बेटा आओ शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 9। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स, यानी बेटे सबसे पहली बात ये है कौन हायर परचेजर, कौन है बेटा हायर परचेजर, ठीक है। और यह है कौन हायर वेंडर, दिल्ली मोटर क्या हायर वेंडर और एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड क्या बेटे हायर परचेजर। यहां पे जो फिक्स एसेट्स है उसका नाम क्या है टेम्पोज, और बेटे कितने टेम्पो हैं, तीन टेम्पो हैं, और एक एक की कॉस्ट कितने की है 50-50 हजार की। कौन सी डेट में खरीदे, 1 जनवरी 1987, 1 जनवरी 1987 को खरीदे गए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, टेबल बनाएं क्या, आइए टेबल बनाते हैं। लिखते लिखते थोड़ा सा और ज्यादा बात समझ में आती है, तो आइए जी शुरू करते हैं। देखिए आंसर नंबर 9, देखिए आंसर नंबर 9 में पहले एक लास्ट लाइन पढ़ लूं क्या, बताना क्या है, शो नेसेसरी अकाउंट्स। चलो जी देखेंगे शो नेसेसरी अकाउंट, तो बेटे दोनों की बुक्स में पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, है ना। एग्जाम में मान ली एक की बुक्स में पूछेगा, आपको तो दोनों में आने चाहिए ना, पता नहीं कौन सी जगह पे कौन सा भी बुक्स पूछ ले। चलिए तो सबसे पहली बात कौन सी है हमारी, ये है हमारे किसकी बुक्स, लेफ्ट वाली हायर परचेजर की बुक्स, लेफ्ट वाली बुक है हमारी किसकी हायर परचेजर की बुक्स। कही जरा और राइट वाली बुक्स किसकी होंगी बेटा हायर वेंडर की। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे प्रैक्टिस करते करते क्यों सर लेफ्ट वाली बुक को हायर परचेजर की बनवाते हैं, क्यों हायर वेंडर की राइट में। कही जरा तो यहाँ पर हमारे जो लेजर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहली बात तो हायर वेंडर का, और ध्यान रखना अब की बार बोलो क्या वो नहीं, अब की बार 3 साल है सरकार, तो 3 साल का हमें बनाना है यहाँ पर अकाउंट। एक तो बेटे हायर वेंडर अकाउंट, और इधर इसकी बुक्स में बोलो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हायर परचेजर अकाउंट, आमने सामने आईने की तरह। तो इधर लेफ्ट में ही फिर हमारा क्या चलेगा बोलो आगे, फिर हमारे चलेगा यहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट, टेम्पोस बेटा टेम्पोस, यहाँ पर फिक्स क्या है बेटा टेम्पो, ठीक है ना। आइए जरा उधर बेटा, जब ये टेम्पो वापस ले जाएगा उठा के तो गुड्स डिपोजिट, तो सबसे पहले तो बेटे इस बात को समझना जरूरी है कि हमें जो लेजर बनाने हैं कौन कौन से लेजर बनाने हैं, कि हमें तो पहले फॉर्मेट खींच लें बेटा, ये राइट वाला पेज है और वो लेफ्ट वाला, आइए जी जरा अकाउंट के नाम लिख लें, ये हमारा क्या बुक्स, ये है हमारी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हु इज हायर परचेजर, मैंने लिख तो दिया हायर परचेजर, मेन कौन है यहाँ पे। क्वेश्चन में हमने नाम लिखा था एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, बेटा ट्रांसपोर्ट का काम है इनका एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, बेटा स्पीडली हाथ चलाएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को रिविजन मार्क करना, एग्जाम में जब भी पार्शल रिपोजिशन का क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का आता है। आइए इधर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हायर वेंडर अकाउंट, हु इज हायर वेंडर बेटा बोलो बोलो, दिल्ली मोटर्स, हु इज हायर वेंडर दिल्ली मोटर्स, तो बेटा जी दिल्ली मोटर्स अकाउंट ये है हमारा हायर वेंडर अकाउंट, फिर इसके बाद में और कौन सा अकाउंट बनेगा जी, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर,
बेटा दूसरा अकाउंट यहाँ पे जो बनना है वो है हमारा टेम्पोज अकाउंट, ये क्या है जी हमारी फिक्स असेट्स। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग 5 मिनट ताकि क्लास ओवर कर लें, आपको आपको भी अच्छा खासा ब्रेक मिलेगा। आइए देना कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी जगह पे क्या होगा बेटा, वहां पे पुट्स रिपोजेस्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर, और कौन सा अकाउंट बनेगा जी वहां पर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हेडिंग डालो पहले इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हु इज हायर वेंडर बेटा, हु इज हायर वेंडर बेटा दिल्ली मोटर्स, कौन दिल्ली मोटर। आइए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से शुरू हो जाते हैं बेटे, प्रेजेंटेशन पे फोकस रखना पूरा का पूरा। यहाँ पे कितने साल की बात है बेटे, चलिए वर्किंग नोट बना ले क्या, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। इधर पहले बेटा क्वेश्चन का वर्किंग नोट बना लेते हैं, लो जी लो आगे बढ़ो। सबसे पहले बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, तो बेटा जी वर्किंग नोट नंबर 1 डालो बेटा हेडिंग यहाँ पे टेबल। तो बेटा जी टेबल बनाओ बच्चों, आओ जरा तो तीन टेम्पो की अलग अलग टेबल बनेगी क्या, ना जी ना ना जी ना ना जी। प्रिंसिपल पार्ट, इंटरेस्ट पार्ट और बेटा जी इंस्टॉलमेंट पार्ट, इंस्टॉलमेंट पार्टिकुलर्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट और क्या बेटा जी इंस्टॉलमेंट्स, ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे सो गए पता नहीं, कौन बताएगा जी मुझे कि नहीं सर हम सोए नहीं है। बेटा जल्दी से बताना प्लीज, मेरे को साथ साथ बेटे कम्युनिकेशन चाहिए आपसे, तो मुझे प्लीज मुझे बताएंगे सारे बच्चे व्हाट्सएप में बताएंगे जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे शायद लेट रिप्लाई आता है। राम रोहित सत्यव्रत और बाकी बच्चे जल्दी से बताएं बेटे, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग जाग रहे हो। अरे ऐसा क्यों लग रहा है सुबह जाग रहे हैं, राम कह रहा मैं तो जाग रहा हूँ, चलो फिर राम जी जाग रहे हैं फिर तो हो गया काम। तो बेटा जी कैश प्राइस, बेटे कैश प्राइस कितना, एक ट्रक कितना है, एक ट्रक का कितना है 50,000, बेटे तीन ट्रक का कितना हो गया 50,000 इंटू 3 कितना बेटा 1,50,000 जागे। ओके रोहित, रोहित और राम दो बच्चे जागे। आई जी कैश प्राइस हमारा कितना है बेटा 1,50,000, ये तीन ट्रक का है बेटा ध्यान से, और ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से है 1987 में जनवरी फर्स्ट। तो बेटा जी ये है हमारी ईयर की स्टार्टिंग 1987 जनवरी फर्स्ट। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, क्या कोई डाउन पेमेंट वगैरह हुआ, हाँ जी यहाँ पे डाउन पेमेंट भी हुआ, माइनस डाउन पेमेंट
बेटा जी 15-15 हज़ार का डाउन पेमेंट हुआ, कितने का हुआ? ये देखो 30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट है, क्या कहा मैंने बेटा? 30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट है और बाकी का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा, जो कब कब पेबल होंगी? 87 को, 88 को, 89 को, 31 दिसंबर को, और विद इंटरेस्ट पे होगी, 9% इंटरेस्ट भी उसमें होगा। अच्छा सत्यव्रत भी जाग रहा है, आओ जरा करें शुरू। यस, और डेप्रिशिएशन का रेट क्या है जी? 20%। ठीक है जी, कहानी कहाँ पे बिगड़ी जरा ये और नोट करते चलें, ताकि हम लोग अकाउंटिंग का ध्यान रखें कि भाई इसने पे कर दी थी 31 दिसंबर, ये फर्स्ट ईयर वाली इंस्टॉलमेंट, 87 वाली तो पे कर दी, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर। तो इसी को याद रखो बस, ये नहीं पे कर पाया था कौन से वाली, ये नहीं पे कर पाया था कौन से वाली, इसको हाईलाइट कर दो, 31 दिसंबर 1988 वाली पे नहीं कर पाया था। यानी पहले साल में तो सब कुछ नॉर्मल था बिल्कुल, दूसरे साल में इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर उसके बाद में असेस डिपोजिट होगी। आइए हम लोग वहां तक पहुंचते, लेट्स स्टार्ट जी फर्स्ट पर। हाँ पर टेबल तो यार सारी बनेगी ना, ओहो टेबल तो सारी बनेगी ना। टेबल में हमने देखा कितने रुपए का डाउन पेमेंट है बेटे, 30 हज़ार रुपये का। 30 हज़ार का अगर मैं देखूं तो ये बेटे कितने टेम्पो का है? 3 टेम्पो का। इसका मतलब ये 10 हज़ार × 3 का हिसाब किताब यहाँ पर था। तो जी पहले तो टेबल ही निपटानी है, हम तो क्वेश्चन पढ़ने लगे। तो जी 30 हज़ार रुपये जो है वो किस चीज का पार्ट है? वो बेटा जी प्रिंसिपल का पार्ट है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट शामिल नहीं है। 30 हज़ार रुपये बेटा डाउन पेमेंट है। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 9% पर एनम है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 9% पर एनम, देखना जरा। यस 9% पर एनम, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा 9% पर एनम। ओके जी ओके, और डेप्रिसिएशन 20% बुरी भी। ठीक है चलो जी आगे बढ़ो, बताओ बेटे कितने रुपए बच गए लोन के? 1,20,000। अब इस पे जोड़ करके इंटरेस्ट को पहली इंस्टॉलमेंट वसूली गई होगी कब बेटा? पहली इंस्टॉलमेंट कब आई होगी? ऑफ कोर्स 31 दिसंबर 1987, बिल्कुल जी। तो यहां पर जो 3 इंस्टॉलमेंट गई यहां पर वो कैसे कैसे गई? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, चलिए जी, अलोंग विद इंटरेस्ट, है ना, विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट। यस चलो बेटा 40 40 के 3 सेट बनाओ पहले फटाफट। 40 हज़ार, 40 हज़ार, तो फिर लोन कितने का रह जाएगा? 80 हज़ार। कितना? 80 हज़ार का। फिर उसके बाद में क्या होगा जी? फिर उसके बाद में होगा ये 80 हज़ार में से फिर से 40 हज़ार चला जाएगा, और ये जाएगा 31 दिसंबर 88 को। लेकिन वो तो डिफॉल्ट हुआ, हाँ तो कोई बात नहीं, टेबल बना रहे हैं हम लोग। तो जी फिर से कहानी चलेगी आगे और हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे जी। फिर से 40 हज़ार का प्रिंसिपल चला जाएगा, यह जी 31 दिसंबर 89 को। ऐसा शेड्यूल लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये बेटे यहाँ पे कितना? 40 हज़ार। यहाँ पे कितना? यहाँ पे भी 40 हज़ार। अब बेटा जी यहाँ पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहली इंस्टॉलमेंट जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है 12 * 108, पहले साल कितना गया बेटे? 10 हज़ार 800 का इंटरेस्ट जाना है, यानी कि इंस्टॉलमेंट 50 हज़ार 800 की बननी है बेटा जी। आइए फिर 8 * 72, 7 200 का बनना है, 40 और 7 47 200 का, जी लो जी लो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। फिर 40 हज़ार का 9% कितना बेटा? 3600। 43,600। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका तो टोटल बेटे क्या आएगा? 1,50,000 आएगा। बहत्तर 3 और 7 20 हज़ार, नहीं 21,000 1600 क्या हो गया? दोनों का टोटल कर दो, एक ही बात है, ऊपर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1,71,600। तो मैंने माना यहां तक सब ओके है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सो रहे हैं? जरा मत
लगवाना। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक टेबल बन गई। हाँ बन गई, एंट्री करो फटाफट से करो। आओ बेटा पहले साल की एंट्री करें। पहले साल का इंटरेस्ट कितना? 10,800। इंस्टॉलमेंट कितनी? 50,800। तो बेटा जी फटाफट से आओ, ये निपटाते हैं पहले साल का हिसाब किताब। तो जी ईयर है हमारा 1987। एंट्री क्या होगी? जनवरी फर्स्ट को बाय टेम्पोज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टेम्पोज अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स। और यहाँ पे 3 टेम्पोज आए बेटा, जो कितने कितने के थे बेटे? 50,000 के थे। कैश प्राइस कितने का बेटा? 1,50,000 का। कितने का बेटा? 1,50,000 का। कितने का? 1,50,000 का। नेक्स्ट, अब यहीं पर बेटे डाउन पेमेंट भी हुआ। हाँ जी डाउन पेमेंट हुआ, जनवरी फर्स्ट को हुआ। हाँ जी अभी तो डाउन पेमेंट है। टू बैंक कितने का बेटा? 10,000 × 3 कितना बेटा? 30,000 रुपये। क्या? 30,000 रुपये। फिर पहले साल का इंटरेस्ट बुक हुआ। हाँ जी कितने रुपए का? बाई इंटरेस्ट दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना बच्चों? 10,800। तो पहले साल का जब पेमेंट हुआ इंस्टॉलमेंट का कितने का हुआ? टू बैंक बेटा ये हुआ 50,800 का। तो पहले इंस्टॉलमेंट चली गई। हाँ जी चली गई। तो पहले साल का हिसाब किताब करें, आइए जरा करते हैं। ये हमारा है जी पहला साल। टोटल करो पहले साल का 1,60,800 जी। टू बैलेंस कैरी डाउन दिसंबर 31 कितने रुपए का जी? बैलेंस 80,000 का बच गया जी। आप इसको टेबल से कंफर्म कर सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो। लो जी इस बैलेंस को अब हम क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे कहां पर? 1988 में। नेक्स्ट ईयर है बेटे हमारा कौन सा? 1988। जनवरी फर्स्ट बाई बैलेंस रोट डाउन 80,000। बेटा पहले साल का काम हम हायर वेंडर की बुक्स में निपटा ले साथ साथ। आओ जरा टिपटापी तो करनी है अपने यहाँ से, आइए जरा। तो सबसे पहले एंट्री क्या है हमारी? जनवरी फर्स्ट को टू हायर परचेज सेल्स कितने का? कितने का जी? 1,50,000 का अमाउंट टू हायर परचेज सेल। ठीक है जी, अब क्या करना है थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख लो ताकि आपको अलग से दिखाई दे। 1,50,000। फिर बेटे यहाँ पर सेम डेट पर इसी को हम करते ना दिसंबर 31 को फिर यहाँ पे इंटरेस्ट बुक होगा। तो बेटे ज़्यादा दिमाग तो लगा नहीं है, 10,800। अब कोरोस्पोंडिंग बेटे दूसरी साइड, सबसे पहले बेटे जनवरी फर्स्ट बाई बैंक क्या बेटे? डाउन पेमेंट कितना? 30,000। फिर बेटा दिसंबर 31 बाई बैंक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई 50,800।
आए बच्चों यहाँ पे क्या बैलेंस, दिसंबर 31 को हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 80,000 का। क्या कह रहे हो मैं नींद आ रही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कह सकते बेटा, ना 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 ना, ना। आप अगर ऐसा करोगे तो पता क्या होगा, लो मैं लिखता जाता हूँ और आपको सुनाता हूँ, फिर आप उठ के पता क्या करोगे, जब आप अगर आप गलती से सो गए तो फिर आवाज ये आती रहेगी, फिर आप गाना गाते रहोगे, ये वाला सुना दो, बोले हमारा बोले हमारा क्या होगा, दिल गलती कर बैठा है, तो फिर ये गाना सुनाओगे फिर तुम अगर सो गए तो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार क्या करता रहता हूँ, जगाता रहता हूँ। ओके, टू बैलेंस बीडी जनवरी 1, टू बैलेंस बीडी कितना 80,000, वाह 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 वाह। आइए जरा, नींद तो पक्का खुल गई होगी, अब तो खैर पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर ऐसा सुना देख रहे सब बीच में। तो बेटे सेकंड ईयर में क्या हुआ बच्चों, सेकंड ईयर का फिर से इंटरेस्ट ड्यू हुआ, और जब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हुआ मेरे बच्चों फिर क्या हुआ देखो, फिर वहां पर पेमेंट नहीं हुआ। ओ दिसंबर 31 को क्या हुआ सर बताओ जरा। बेटे दिसंबर 31 को हुआ ये कि हमने इंटरेस्ट तो ड्यू कर लिया, बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है जी सेकेंड ईयर का 7,200, तो बेटा जी 7,200, 7,200 हमारा इंटरेस्ट है बच्चों। वेंडर के यहाँ भी बुक कर दें क्या, ये पड़ोस में दिख रहा है कह रहा है कि मुझे नहीं दोगे कुछ खाने पीने को, अपने आप तो खाते पीते रहते हो। अच्छा चलो पड़ोसी है ना, आओ जरा 7,200। अब देखो बेटा यहां तक बात ओके है, अब ये पेमेंट तो कर नहीं सका तो यहां पर क्या हुआ, फिक्स एसेट पकड़ा रहा है, दो फिक्स एसेट, ध्यान रखना सारे टेम्पो नहीं जा रहे, दो फिक्स एसेट जा रहे, दो टेम्पो। मैं कह सकता हूं दिसंबर 31 को पेमेंट ना करके टू टेम्पो वैन, टू टेम्पोस अकाउंट एग्रीड वैल्यू, बस ये ध्यान रखना बेटा जी कि एग्रीड वैल्यू यहां पे जाएगी, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ना ना ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ना 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 ना, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते, ना ना ना, बताओ क्यों, क्योंकि यहां पर बात तय करके, बात तय करके तब ट्रांसफर की जाएगी, और भी कोई क्योंकि हो तो बताना। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं तीन, चलो जरा शैतानो तो करो बेटे आओ फटाफट से, जरा फिक्स एसेस की बात तो करें, इस अकाउंट को भी तो पूरा करें, कह रहा मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ऐसी बातें करते हो, टेम्पो तुम्हारे से हम बात नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता टेम्पो जी, कि नहीं किसी ने मेरे से अभी तक तो बात ही नहीं की, पूरा क्वेश्चन होने वाला है, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो तो जरा मैं तुम्हारे लिए जरा थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कर दूं, ओके तो बेटा जी सबसे पहले ईयर है हमारा 1987, फिर ईयर है हमारा 1988, सबसे पहले एंट्री हुई टेम्पो अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर टायर वेंडर, बेटा यहाँ पर कितने टेम्पो आए, तीन टेम्पो, कितने कितने के 50-50 हजार के, लो बेटा जी 50,000 × 3 कितने के 1,50,000 के, और फिर उसमें क्या हुआ बेटा डेप्रिसिएशन लगा, आओ जी जरा लगाते हैं डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिशन कौन सी डेट को लगा बेटे, दिसंबर 31 बाई डेप्रिशन अकाउंट क्या रेट है जी डेप्रिशन का 20%, तो बेटा जी बुक में हमारा 20% है ध्यान रखना, तो ओके जी 15 × 30 30,000 रुपये का हमारा यहाँ पे पहले साल का डेप्रिशन लग गया, कितने रुपए का बैलेंस बचा जी दिसंबर 31 को, कितने रुपए का बैलेंस बचा, बाई 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 बैलेंस सीडी 1,50,000, वाह 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 वाह। और क्या हुआ शैतानो, और क्या हुआ बच्चों, चलो जी पहले बैलेंस तो ब्रोट डाउन कर लो सर,
ये कौन सी डेट को बेटा? जनवरी फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब बात करते हैं जी किस चीज की बेटा? डेप्रिसिएशन की। वाह 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 वाह, आइए बेटा जरा डेप्रिसिएशन की बात करें। क्यों सर सेकंड ईयर वो तो ले गया था? अरे बेटे असेट्स तो खर्च हुई ना, डेप्रिसिएशन तो लगेगा कि नहीं लगेगा? यस भाई, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की क्या गलती, वो तो लगता रहेगा 30% तीनों असेट्स पे। हाँ बेटा तीनों असेट्स पे, तो 24,000 का डेप्रिसिएशन लगा। हाँ जी लगा। अब यहाँ पर कुछ असेट्स ऐसी थी जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई, बाई बैलेंस कैरी डाउन, है ना? कितने टेम्पू थे टोटल? कितने टेम्पू थे? तीन। अब इसमें से कितने ले गया वापस? दो। अच्छा 31 दिसंबर, तो बेटा एक टेम्पू की वैल्यू हमारी आगे चली गई। अब दो टेम्पू जो वो लेके गया उसको वो लेकर के गया, और हम यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट। बेटा जो भी डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा, आपको पता है। तो हमें पहले देखना है कि हायर वेंडर के यहाँ से कितने रुपए खाते से कटेंगे और यहाँ पर से कितने रुपए खाते से कटेंगे, है ना? दोनों एक अमाउंट वहां से भी और यहाँ से भी, दोनों से कम होगी। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। आइए जरा क्वेश्चन में एक बात बोलिए, क्या कह रहा है? क्या वर्किंग नोट टू बना के देखो। मैंने कहा ठीक है बना के देखते हैं, क्या बनवाना है? क्या पहले वर्किंग नोट टू बनाओ? मैंने कहा ठीक है जी बनाते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, अच्छा कैसे? वो कह रहा है एक काम कर लो, दो चीज निकाल लो तुम। एक तो निकाल लो बुक वैल्यू ऑफ टेम्पोस, टेम्पो कितने, कि वो वाले टेम्पो जो हम उठा के ले गए, कितने उठा के ले गए? टू टेम्पो। पढ़ाई हमने, पढ़ो जरा। मैं बाकी सब चीज हटा दूं? हटा दूं जी, बाकी सब हटा दो जी, ताकि हमारा काम की चीज हमें दिखते रहे। क्या वो कह रहे हैं जी? क्या डेली मोटर जो है एग्री टू लीव, कह रहे छोड़ देंगे वन टेम्पो, छोड़ देंगे वन टेम्पो मतलब दो टेम्पो पकड़ लेंगे, ठीक है? तो क्या कहा? हम 1989 ईयर के लिए तुम्हारे पास में एक टेम्पो छोड़ देंगे, दो टेम्पो हम ले जाएंगे। अच्छा किस बात के लिए? कह रहे एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर टू टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट ड्यू है हमारी यहां तक की उसके अगेंस्ट में मानेंगे तुमने टेम्पो दे दिया। लो भाई वाह वाह वेरी गुड। पर एक बात का ध्यान रखना, उन्होंने कुछ और भी कहा है कि टेम्पो का वैल्यूएशन तुम्हारे डेप्रिसिएशन के रेट से नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन होगा एनुअली। तुम तो बुक्स में लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो बताना जरा कि जी? हम तो ना 20% लगा रहे हैं WDV मेथड से। कह रहे ना ना ना, तुम तो कम लगा रहे हो, टेम्पो तो ज्यादा घिस रहा है। ठीक है तो एक काम कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या दो टेम्पो जो है उनकी, टू टेम्पोज जो है जो रिपोजेस्ट हुए उनकी बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर एक बात कैसे निकालेंगे जी? जी 1900, एक मिनट खुल जा, सिम सिम। आगे आप एक काम करो, फटाफट से लिखना शुरू करो। क्या सबसे पहले लिखो ईयर का नाम 1987। अच्छा मैंने कहा ठीक है, कितने की कॉस्ट है यहाँ पे टू टेम्पोज की? कॉस्ट ऑफ टू टेम्पोज, कॉस्ट ऑफ टू टेम्पोज ये भाई 50,000 इंटू दो, ठीक है कितना? 1,00,000। इसमें से लेस करो डेप्रेशन 1987 का, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। लो भैया हमने लेस कर दिया 1987 का। अब देखो, अब बताओ 1987 के एंड में बुक वैल्यू कितनी बची? मैंने कहा जी ये बच गई 80,000। कि अब आओ आगे, मैंने कहा ठीक है जी आ जाते हैं आगे। कि अब बात करो 1988 की, मैंने कहा लो ये तो बड़ी आसान चीज़ है, कोई बात नहीं जी 1988 की बात करो। मैंने कहा कर लिया। यहाँ पे ओपनिंग WDV कितनी है? मैंने कहा जी ओपनिंग बुक वैल्यू जो है WDV वो तो जी 80,000 की है, ये लिखो। मैंने कहा लो कि फिर डेप्रिसिएशन लगा दो। मैंने कहा लो लगा दिया भाई 20% कि 16,000 रुपये। हाँ जी कि ये तो है तुम्हारी बुक वैल्यू, क्योंकि तुमने 20-20% से निकाला। मैंने कहा ठीक है ये तो हो गई हमारी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन।
अब इधर निकालो, क्या निकाले जी, इधर निकालो। अरे क्या निकाले, एग्रीड वैल्यू। अच्छा एग्रीड वैल्यू, हाँ जी एग्रीड वैल्यू निकालो भाई ऑफ टू टेम्पोस रिपोजेस्ट, जो रिपोजेस हुए हैं। मैंने कहा लो ये तो आसान है, कर लेते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे लिखो जैसे तुमने लिखा था। मैंने कहा लो लिख देते हैं जी 1987 और 1988। तो भाई 1987 और 1988 बताओ कितने रुपए की कोस्ट थी टू टेम्पोस की। मैंने कहा भैया कोस्ट तो हमारी वही थी जो उधर थी, 1 लाख रुपए। ये डेप्रेशन निकालो, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 30% से लगाना है। मैंने कहा 30% की, हाँ जी। मैंने कहा लो 30% से लगाया तो 30,000 बना। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो बेटा जी कितने की वैल्यू बची कि जी 70,000। ये तुम्हारी बुक वैल्यू पहले ईयर के एंड में, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है, मतलब WDV। मैंने कहा यही तो आएगी, पहले 80 थी, यहाँ पे कितना है 70,000। ठीक है अब इसमें डेप्रिसिएशन घटा दो। लो जी भैया जी डेप्रिसिएशन घटा दिया, कितने का 30% पर एनम का। ठीक है जी 21,000। तो बेटा जी तो क्या हुआ 49,000, ये बन गई तुम्हारी एग्रीड वैल्यू। इतने रुपए में हम एग्री होते हैं कि 49,000 रुपये आ गए तुम्हारे, हम ये मानेंगे। मैं रुक गया जी, मैं रुक गया बेटे, प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, ये बात ओके है, जल्दी बोलो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, फिर मैं क्लास ओवर करनी है, इस क्वेश्चन के बाद क्लास ओवर करेंगे। प्लीज मुझे बताएं क्या बात ओके है यहां तक। जल्दी से बताएं बेटे, सिर्फ एक बच्चे का ओके आया जी, सत्यव्रत का। बाकी बच्चे बताएं प्लीज जल्दी से। हाँ जी राम का भी ओके, सत्यव्रत का भी ओके, रोहित का भी ओके। ओके बेटा जी चलिए और बाकी सृष्टि, स्थिति, पायल सब सो गए, सब सो गए, श्रुति, सृष्टि, वंशिका और कौन, शदान है, जो भी है बच्चे, सारे बच्चे। चलिए बाकी का अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो बेटे बताओ जरा ऐसे केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, किसको, सिर्फ हायर परचेजर को, क्योंकि बेटे वेंडर के लिए नहीं बात है, हायर परचेजर की, क्योंकि जिसका महंगा सस्ता जाएगा उसी को तो लॉस या प्रॉफिट होगा। हाँ जी एक तरह से देखा जाए तो ये इसका क्या है, एग्रीड वैल्यू क्या बन गया, सेल्स प्राइस बन गया ना। हाँ जी कितने का 49,000, बहुत अच्छे। और बेटा बुक वैल्यू कितने की है, सर बुक वैल्यू है 64,000 की। तो यानी बेटा इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पे। कितने का घटा लो 69, सॉरी 64 माइनस 49, 15,000 का लॉस हो गया जी हायर परचेजर को, उसके असर सस्ते में बिक गई जी। तो आगे चलें, आइए बेटा जी आगे चलते हैं बाबू, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ो बढ़ो जल्दी बढ़ो, एंट्री करो, निपटाओ बेटा इसे काम को। लो जी यहां से 49,000 कम हो गए हैं, कितने का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, जरा एक बार देखना, जाने कितने थे सर सेकंड ईयर में ना, जाने थे इतने। ओ नो ओ नो
ओ नो 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 नो, कितना चला गया? 47,200 के बजाय 49,000 चला गया। ओके जी ओके, कुछ एक्स्ट्रा चला गया क्या बच्चों? ओ यस सर, कितना जाना था? 47,200, पैसे थे नहीं, असर उठा के ले गया, हमने उससे ज्यादा की लगवा ली, 49,000 ले गया हमारे से, वो कैश की फॉर्म में ले गया चाहे एसएस की फॉर्म में ले गया, मतलब बेटे एक्स्ट्रा चला गया कितना? 1,800। तो बताए बेटे हमारा ये वाला पार्ट उतना कम हो जाएगा, जब ये वाला पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा ये कितना रह जाएगा बताओ? ये रह जाएगा जी, घटाओ बेटा इसका मतलब कितने रुपए, ये 49,000 में से घटा दो, ये 49,000 में से घटा दो बेटे कितने का आएगा? ये 47,200 का रह जाएगा। ना ना ना, गलत 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 गलत, 1,800, 40,000 में से घटा दो बेटे, क्या 40,000 में से घटा दो, माइनस कर दो 1,800, ये हो गया बेटे कितना? 38,200 का हो गया, 38,200 का हो गया। अब बेटे 38,200 का हो गया, तो इसका मतलब अब जो अगली बार जो जाएगा ये एक तरह से रिवाइज हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, अब हमारा इंटरेस्ट ये वाला भी रिवाइज हो जाएगा। जरा करना, 38,200 का 9% कितना हो गया? 3438, 3438, 3438, यानी कि अब हमारा ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये 38,200 जाएगा, और इसमें हमारा ये अमाउंट भी अब चेंज हो जाएगा, 38,200 प्लस 3438, जरा करना एक बार, टोटल कितना हो जाएगा? 41,638, ये बन गया हमारा लास्ट का पेमेंट। कोई नहीं, ये सब काम बेटे लेजर के अंदर होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए पूरी हायर वेंडर अकाउंट पे, हायर वेंडर अकाउंट ही होता है यहाँ पर टेबल में भी, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें पूरी पूरी यहाँ पे कंट्रोलिंग रखनी है। चलिए अब हम वापस चलते हैं लेजर पे। चलो सर, चलो सर, चलो चलो जी, चलो 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 जी, चलो चलो। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर अब हमारा बैलेंस भी हमारा चेंज हो, करो सर बैलेंस चेंज करो। तो बेटा इसका टोटल करना, 87,200, ये हो गया बेटा 87,200। बेटा 87,200 में से हटाओ 49,000, कितना बचा? 38,200। मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे बताया था, दिसंबर 31 को अब हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा, 40,000 ना करके 38,200 आएगा। इसी को हमें क्या करना है बेटा? कैरी फॉरवर्ड करना है, इसी को तो हमें क्या करना है बेटा जी? कैरी फॉरवर्ड करना है बच्चों जी। अरे वाह 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 वाह, 1989, 1989 बेटे ये बैलेंस ब्रोट डाउन करो, जनवरी 1 को बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 38,200। वाह 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 वाह, कर दो जी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, पहले इसी को निपटा ले, इसको निपटा लेते हैं। आओ बेटा निपटाओ, बेटे इसे निपटाओ, बस बहुत हो गया, बहुत परेशान कर दिया इसने। दिसंबर 31 को इसका इंटरेस्ट कितने का होगा? अभी तो हमने निकाला था 3438 है ना, इस वाले खाते को यहां तक तो पहले पूरा कर दो। लो जी 3438 होगा, तो आइए बेटा जी इसका टोटल कर लो, 38,200 प्लस 34,38 कितना हो गया? 41,638। क्या हमसे इसने पूछा है? इसने इसने क्या पूछा? 87, 88, 89 तीन होगा, नेसेसरी अकाउंट दिखाओ। हाँ बिल्कुल पूछा है जी बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले बता दूं। आइए जरा, तो आइए बेटा दिसंबर 31 करवाइए जरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, टू बैंक 41,638, ये हो गया जी हमारा हायर परचेजर का खाता पूरा। जरा फिक्स्ड एसेट्स को पूरा करो, फिर हायर वेंडर के यहाँ चलेंगे।
आओ जरा, यहीं पे तो है फिक्सर सेट्स। हाँ जी फिक्सर से कह रहा, मेरे से तो बात ही नहीं करते, बहुत नाराज रहते हैं। नहीं यार बस आ ही रहे थे तुम्हारे पास। 1989, 1989, 1989, 1989। बताओ जी कितने रुपए एग्री हुए? 49,000। मतलब वो फिक्स से बिक गई। हाँ फिर वहां पे लॉस हुआ। हाँ वहां पे लॉस हुआ तो ठीक है, बाई पीएनएल यहाँ पे लॉस भी तो बुक करो। कितने का? 15,000 का। ओके ये बात है बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, क्या बात बेटा। अब वहां पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो एक असेस बची उसकी बुक वैल्यू क्या बची। हाँ जी कोई बताएगा कितने रुपए का बैलेंस कैरी डाउन करें? एक ही तो असेस बची है, निपटाओ बेटे से। 1,20,000 तीन असेट्स का बैलेंस है। 1/4 40,000 इंटू कितना आ गया यहाँ पे? अच्छा जी हमारा 32,000। बेटे 32,000 बचा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीन असेट्स का बैलेंस है, 40,000 इंटू तीन। ऐसे आपको जल्दी बात समझ में आएगी। दो चले गए, एक रह गया। 1,20,000 इसका टोटल है जी, 1,20,000 इसका टोटल है जी। तो बेटा जी जनवरी एक टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का? 32,000 का। फिर बेटा जी अगला नंबर क्या? डेप्रिसिएशन दिसंबर 31। ओहो ओहो ओहो, वाह 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 वाह, अरे मजा आ गया। ये तो हो गया बस काम, कुछ बचा ही नहीं अब इसमें। 6,400 रुपये यहाँ पे 32,000 का 20% हटा दिया, बच कितना गया जी? आ हा वाह वाह, ये तो बड़ा आसान है जी। वो खत्म हो गया बस, खत्म खत्म हो गया, खत्म हो गया जी, हो गया खत्म हो गया। आओ बेटा जी आओ, बाई बैलेंस कैरी डाउन। सर असेट्स तो खत्म नहीं हुई। अरे बेटा असेट थोड़ा खत्म होनी है, वो तो चलती रहेगी जब तक है, जहां जाने जहां मैं नाचूंगी वाला काम है बेटा असेट्स का, तो है ना शोले वाली फिल्म की बसंती वाला, जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी। आओ जरा टू बैलेंस ब्रोट डाउन 25,600। वाह 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 वाह। आइए जी कौन बच्चा है सबसे होशियार जो फटाफट 4 मिनट के अंदर अंदर वेंडर का खाता पूरा करेगा और घर जाएगा और प्रपोजेस पूरा करेगा? 5 बजे आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम भी याद रखोगे। वाह वाह। तो बेटा जी इधर बात करें, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर का कौन, और नाम तो लिखो हायर परचेजर का, तुमने नाम भी नहीं लिखा। बताओ भाई। वाह 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 वाह, क्या नाम है जिसका? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ये कौन? हायर परचेजर। निपटाओ बेटे, पहले साल का काम हो गया। हाँ जी हो गया, अब दूसरे साल का काम निपटाओ। उसने ना पेमेंट नहीं दिया। अच्छा फिर क्या दिया उसने? उसने ना असेट दे दी हमें। ठीक है असेट ले लो, एंट्री करो। बाई दिसंबर 31 की बात है, दिसंबर 31 की बात है। बाई गुड्स प्रीपोजेस्ड कितने रुपए का जी? वो तो 49,000 का तय हुआ हमारा, उनका एग्रीड बिल। बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है फिर आगे बढ़ो कि जी लो दो काम, बैलेंस बच गया उनका। बेटा आईने की तरह चलेगा, तो जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर निपटा दो तो इसे, फिर हम घर जाएंगे। 87,200। हाँ जी तो बैलेंस कितना बच गया जी? टी बटा पी करो, 3 लाख सॉरी 38,200, 38,200 का बैलेंस बच गया अब तो दिसंबर 31। बाई बैलेंस कैरेट डाउन 1989 की बात करते हैं। ये बेटे जरा तो बेटा जी जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 38,200 क्या? 38,200 फिर क्या करना है? 32,000। ये क्या हुआ? वो बेटा 32। अच्छा तुमने पहला आंसर दिया होगा उसका फिक्स। अच्छा अच्छा आप समझा।
अब समझा मैं तुम्हारी बात। करो बेटा जी, इधर बात करते हैं। तो 38,200 में इंटरेस्ट कितने का बुक हुआ बेटे? 3438 रुपए का इंटरेस्ट बुक हो गया दिसंबर 31 को। बेटा कितने रुपए का पेमेंट मिला दिसंबर 31 को? फिर निपटा दिया जी इन्होंने तो काम सारा का सारा। अच्छा बाई बैंक कर दिया इन्होंने? हाँ जी कर दिया जी, दोनों का टोटल कर दो 41638। ओके 41638, 41638। तो भाई ये मान रहा हूं कि बच्चों ने यहां तक अच्छे से कर लिया है। निपटाओ बेटे, 1 मिनट रह रही है, गुड्स डिपोजिट अकाउंट भी निपटा दो, बचा क्या उसमें। वाह 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 सर, आज आप 5 बजे छोड़ रहे हो हमें, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 1988 बेटे, 1987 तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा 1988 में बताएंगे हम लोग। कहाँ? 1988 में। टू हायर वेंडर, हु इज हायर वेंडर? दिसंबर 31 की बात है, हु इज हायर वेंडर? अशोक है ना, क्या नाम है यहाँ पे इसका? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, पिछले क्वेश्चन में था। टू एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कितने रुपए जी? 49,000 का आया जी। कोई और चीज यहाँ पे दे रखी है क्या इसके लिए कि भाई इसको बेच दिया, इसको रिपेयर कराया, या इसकी वैल्यू घट गई? देखे तो जरा क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या? देखो इसने जी अलग से कुछ नहीं दिया। ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना, बस हो गया काम। तो यानी कि बेटा दिसंबर 31 को क्या हुआ? दिसंबर 31 को बेटा ये बैलेंस रेडी हो गया। क्या हो गया बोलो? दिसंबर 31 को ही ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया, बाय बैलेंस सी डी टू बैलेंस बी डी। फोर्टी नाइन थाउजेंड, 49,000, 49,000, 49,000, ये है हमारा 1989, ये हमारा 1989। क्या कह रहे हो सर, एक दो क्वेश्चन और करा दो? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं करा देता हूँ। मैं तुम्हारी बात को कोई मना कर सकता हूँ क्या? आइए जरा जल्दी से आइए, फटाफट से क्वेश्चन खोलिए। कौन सा वाला? मैं मानू कि आपने नोट कर लिया। आइए बेटा अगला क्वेश्चन खोलिए जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हमारा कौन सा वाला? अरे होमवर्क दे रहा हूँ, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए होमवर्क है, मैं कराऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। ट्रैक्टर जरूर चलाना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ट्रैक्टर का है, ठीक है? आइए जरा, तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटे, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में अगला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी ट्रैक्टर चलाना है। ओ अब सुनना है सर, तो अब पर तुम ट्रक ट्रक चलाना चाहोगे? हाँ सर, देखो इसे जल्दी से होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपके लिए होमवर्क है। सत्य प्रसाद सर है, इन्होंने तो हमें डराई दिया था कि क्वेश्चन कराएंगे। सर आगे छोड़ो ना, कल करेंगे, इंटर सस्पेंस में यही करेंगे, ठीक है? तो अभी बिना इंटरेस्ट सस्पेंस वाला मैंने होमवर्क किया है, ध्यान रखना। जो हमारी कल क्लास होगी, क्या होगी बोलो? जो हमारी कल क्लास होगी उसके अंदर सबसे पहले वाली क्लास में हम लोग हायर परचेज को किनारे लगाएंगे जितना हो सकता है, तो जो बड़े आराम से बहुत हद तक आगे बढ़ जाएगा। एक जो क्वेश्चन है सामने 13 है ना, आप एक काम करोगे, चलो इसको मत करना, अभी अभी मत करना, ये मैं कराऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा बेटे, यहाँ पे जो हमने ना इसी में बुक में आपके पास के एग्जाम के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। क्या डाल रखे हमने? पास के एग्जाम के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। तो बेटा प्लीज एक बार नजर जरूर मार लेना, ये तुम्हारे लिए ही डाल रखे हैं, तो अलग से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी अगर तुमने ये मेरी वाली ये बुक पूरी तसल्ली से कर ली, ठीक है? ये रहे यहां से। अब प्लीज देखो मजाक नहीं उड़ाना, पता चला तुमने ये वाला क्वेश्चन देखा और तुम कह रहे अरे ये क्या क्वेश्चन दे दिया सर, मैं क्या बताऊं? देखो एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, आओ गप्पे मारे। देखो
क्या कहते हैं, कैश प्राइस है 1,20,000। डरना मत, मतलब हंसना मत, बस प्लीज देखो हंसना मत। कैश प्राइस है 1,20,000, डाउन पेमेंट है इतने रुपए का, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है इतने इतने रुपए की। पहली वाली शुरू होगी कब से, 12 महीने के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब मैंने तो कुछ नहीं बोला एग्जामिनर को, आप बताओ। ये बेटे शुरू से ही क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट में ध्यान रखना, ये शुरू से ही क्वेश्चन है जो देखो एग्जाम के उससे पूरा पूरा मैच हो रहा है। आप चाहे तो देख लेना, पुरानी बुक है मेरे पास में, पिछली 10-12 अटेम्प्ट की जो बुक है वो तो मेरे पास अभी रखी भी हुई है, इधर जरा देखना एक बार। अब देखो मैं कुछ नहीं कह रहा इसमें, देखो है क्या, मतलब मुझे ना शर्म आएगी देखो इसको कराने में भी क्लास में। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराऊं जो एग्जाम में आ रहे हैं। कैश प्राइस 2 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 80,000, कह रहे बाकी का ना एनुअल इंस्टॉलमेंट दे देंगे 40,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ में। पहली इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 31 दिसंबर 2018 से। अरे बेटा जब जनवरी 2018 को एग्रीमेंट हुआ तो 1 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट होगी। डन, कह रहे इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, 6%, और डेप्रिसिएशन का होगा 10%। WDV, प्लीज मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, और ना उड़ाना एग्जाम का बिल्कुल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है कि जनरेटिव बना दो, किसकी बुक्स में, या तो वेंडर या परचेजर की बुक्स में, है ना। देखो क्या कह रहा है, हेलो लिमिटेड ने एक्वायर किया, मैसर्स हेलो ने एक्वायर किया, ये लिमिटेड परचेजर की बुक्स में पूछ रहा है जनरेटिव। लोग जो कहते हैं ना कि जनरेटिव नहीं आती, बताओ मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, ये तुम्हारे सामने है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। बेटे पूरा कंप्लीटली सोल्ड है बेटा, कुछ नहीं, बाद में टिकट ही खेल लेना, जब ये तुम कर लो ना असाइनमेंट मेरा, फिर टिकट टिक खेल लेना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब बताओ मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ उसमें, देखना ठीक है कैसा क्वेश्चन आया। कह रहा है फिर से ट्रैक्टर चलाओ, अच्छा कैश प्राइस कितने का, इतने का है ट्रैक्टर का, एक ही ट्रैक्टर, कह रहा इतने रुपए का डाउन पेमेंट है, बताओ मैं क्या बताऊँ। कब खरीदा, 2017 में अप्रैल 1 को खरीदा। कह रहे बाकी का जो है ना इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे हम 3-3 लाख रुपए की, और प्लस इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट का रेट जो होगा वो 8% होगा, डेप्रिसिएशन का क्या होगा, 10% होगा। अच्छा एसएलएम बेस, वाह वाह तुम्हारा फेवरेट आ गया। कहते हैं एक काम और कर दो ना प्लीज, तो ना इंटरेस्ट सस्पेंस से करके बता दो। वाह 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 वाह, कोई फॉरफिशर नहीं, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी तक तो मुझे कोई फॉरफिशर मिला नहीं। देखना अब देखो, ऐसे तो बहुत गलत बात लगेगी, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डाउन पेमेंट बता दिया, पहले इंस्टॉलमेंट में क्या दिया ये बता दिया, दूसरे इंस्टॉलमेंट में क्या दिया, तीसरे इंस्टॉलमेंट में बता दिया, मतलब आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसके जो ABCD है वहां से देखो, क्वेश्चन सामने देखो क्या कहता है। डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा 20%, WDV 31 मार्च 2018, ये कौन सी डेट है जी बेटे, 1 अप्रैल 2015 की बात थी जब ये काम शुरू हुआ, तो 16, 17, 18 3 साल की बात है, ठीक है। यानी कि तीसरे साल के एंड में जाके उसका विकेट गिर गया, कह रहा फेल टू पे, थर्ड इंस्टॉलमेंट दो भाई, गिरा भी तो कहाँ फाइनल मोमेंट पे जाके, सीए फाइनल में पहुंच के, ना ना कोई बात नहीं आओ इधर। कहते थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया और उसने रिपोजेस कर दिया। लो भैया भानु कौन है, वेंडर, अमर कौन है, परचेजर, उसने भाई साहब रिपोजेस कर लिया, उसने रिपोजेस सारा नहीं किया, डोंट वरी। कितने स्कूटर आए थे वहां से, कह रहे 6 स्कूटर आए थे, कितने, 6 स्कूटर, और कितने लेके गया, कह रहे 2 स्कूटर वापस ले गया, और एग्रीड वैल्यू कितने की है, एग्री टू लीव अदर, कह रहे बाकी के 4 छोड़ देगा वो। और वैल्यू कैसे निकालेगा जी, देखो वैल्यू निकाली जाएगी स्कूटर टेकन ओवर जो है ना वो कैसे वैल्यूएशन करेगा, 30% का डेप्रिसिएशन लगा करके। वाह 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 वाह, बेटे बुक्स में कितना था, 20%। वाह 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 वाह, ये तो ऐसे छपा छपाया क्वेश्चन है। अब देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है बस, अब क्लास ओवर हो ही रही है तो जाते जाते थोड़ा सा मजाक भी तो करना जरूरी है ना। अब आप बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखा करके इससे बढ़िया और मजाक क्या होगा, देखना जरा। अब ये मत कहना कि सर आप इतने हैवी क्वेश्चन क्यों कराते हो क्लास में, प्लीज। लो जी बैलेंस अमाउंट जो है रिमेनिंग जो है वेंडर के अकाउंट में वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कह रहे 5 महीने के बाद में बाकी का पेमेंट करा, ये थोड़ा सा पॉइंट है कि 5 महीने रुक करके पेमेंट किया तो जो भी बचा होगा 5 महीने का इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट होगा। बेटे देखना रिपेयर कैसे कराया, जो भी इन्होंने रिपोजेस कर रखा था उन्होंने रिपेयर कराया रिपोजेस वाले को, और फिर उसको बेच दिया, फिर उसको बेच दिया। पूछ क्या रहा है पता है, देखो 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा है, जो कहते हैं ना कि इसका रिपोजिशन हो गया तो वहीं तक टेबल बनाओ, फंस जाते हैं बच्चे। देखना कैलकुलेट करो कैश प्राइस और इंटरेस्ट विद ईच इंस्टॉलमेंट, अलग से नंबर है कि नहीं है, 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, 3 पार्ट में आंसर पूछ रहा है तो अलग से नंबर होंगे ही होंगे। फिर देखो क्या कहता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट बना दो, फिर कहता है गुड्स रिपोजेस अकाउंट बना दो। अब बताओ बताओ मैं कैसे बताऊं,
बच्चा ना ये कहता है कि सर एग्जाम में कुछ पूछता भी है कि नहीं, मैंने कहा वही पूछता बेटा जो क्लास में करेंगे, गारंटी है, गारंटी, चैलेंज चैलेंज आज तक लेता आया हूं, जो लिख रहा हूं क्लास में, टच बोर्ड ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूँ, जो लिख रहे हो क्लास में क्वेश्चन वहीं से ही एज इट मिलेंगे बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर है, चलो कह रहे तो आप खुद ही कर लो, अगले क्लास में मिलते हैं जी, बेहतरीन वाले क्वेश्चन करते हैं जहां पे ना तोते उड़ने वाली बात हो जाती है, अगर सच में कोई जानना चाहता है हायर परचेज में जबरदस्त वाली चीज है, अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही एडवांस क्वेश्चन बेटा, शायद आ जाए, है ना, बियॉन्ड द लेवल जाना है, जब एक चीज उठाई है तो लास्ट तक करेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बाय 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 बाय।